गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो येस्टरडे लास्ट क्लास वी डिड अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज. ऑल द लॉ छोटा सा है, 10% टैक्स लगता है, बट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी जाएंगे ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो पेमेंट है वो रॉयल्टी है या नहीं. जैसे इक्विपमेंट का रेंट जा रहा है, इज इट रॉयल्टी और नॉट. क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो कोई ये लिख के नहीं देगा ना कि रॉयल्टी पे कर रहे हैं हम, वो तो रेंट पे होगा. कोई सॉइल टेस्टिंग, जिसमें मतलब सॉइल को मजबूत करना है, उसके लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में रॉयल्टी नहीं लिखा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में पेमेंट होगी. वो आप आइडेंटिफाई करेंगे दैट दिस इज रॉयल्टी एंड देयरफॉर टैक्सेबल एट 10%. आज हमारा एम रहेगा डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. इनसे डिविडेंड में कुछ मिस्टेक्स हो गई है. फाइनेंस एक्ट 20 में डिविडेंड के लॉ में कुछ मिस्टेक्स कर गए हैं लोग, वो देखेंगे आज क्या मिस्टेक्स किए हैं. अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको पेज 33, जो RDBs इशू हुए थे 17 सितंबर 18 से लेकर 31 मार्च 19, उसका इंटरेस्ट हमेशा ही NR फॉरेन कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा. और अगर यूनिट इन IFSC लोन इशू कर रहा है, मनी बोरो कर रहा है ऑन और आफ्टर 1/9/19, ये डेट्स याद करनी है आपने, उस केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा फॉरनर को, एनआर को, फॉरेन कंपनी को, दैट विल रिमेन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(15). दोबारा से सेक्शन 9 पर आते हैं. नेक्स्ट पेज, सेक्शन 9 कहता है इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, क्लॉज 1 आफ्टर 6-7 क्लासेस करेंगे, क्लॉज 2 नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्लॉज 3 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लॉज 4 इंडियन कंपनी डिविडेंड पे करती है, इंडिया से बाहर पे कर रही है, बट इट विल बी ऑलवेज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया. सो द फॉलोइंग इनकम शैल बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, क्लॉज 4, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट पे करती है, लोन कहां यूज हो रहा है, इमेटीरियल. ये चीज आपने वहां भी पढ़ी थी, कहां, रॉयल्टी में, FTAs में, जहां इंडियन गवर्नमेंट पेमेंट करेगी फॉरनर को, द पेमेंट इज ऑलवेज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया. So income by way of interest payable by the government is always deemed to accrue a rise in India in the hands of non-resident foreign company. B, पढ़िएगा मत. Reliance अपने bonds issue करती है, किसको, foreigner को. Reliance loan लेती है foreigner से, उसको interest pay करती है. Foreigner बैठा है मलेशिया में, कभी इंडिया नहीं आया, पेमेंट भी मलेशिया में की उसने, बॉन्ड भी मलेशिया में मिला उसे रिलायंस का, इंटरेस्ट भी मलेशिया में मिल रहा है. वो बताइए इंटरेस्ट डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया कब माना जाएगा, अगर लोन यूज करे रिलायंस इन 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 बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया और फॉर अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया. बी, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय अ पर्सन हु इज अ रेजिडेंट रिलायंस वे द इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इनकर्ड, मनी इज बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन रिलायंस इन इंडिया और फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग और अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया. तो रिलायंस अगर बिजनेस में ना यूज करके
अदर सोर्सेज में यूज करती है अर्न करने के लिए, देन ऑल्सो द इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट. बेसिकली ये सोर्स रूल कहलाता है, सोर्स रूल, कि जो पैसा इकट्ठा किया फॉरनर से उसे आप इंडिया में यूज कर रहे हैं फॉर अर्निंग बिजनेस इनकम और फॉर अर्निंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. अच्छा, ये डेट इनकर्ड मनी इज बोरोड, इसमें बॉन्ड्स डिबेंचर्स भी आ जाएंगे या नहीं? रिलायंस बॉन्ड इशू करिए, डिबेंचर इशू कर रही है, दैट इज नथिंग बट डेट इनकर्ड मनी बोरोड. सी ध्यान से पढ़िएगा. अब क्या है, नॉन रेजिडेंट बोरो कर रहा है, पढ़िए मत प्लीज, मैं रुकिए रुकिए रुकिए. नॉन रेजिडेंट बोरो कर रहा है मनी फ्रॉम नॉन रेजिडेंट, ठीक है, और नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट पे कर रहा है, लेट्स से NRA, NRB, ये बोरो करता है और इसको इंटरेस्ट पे कर रहा है. ये इंटरेस्ट इसके हाथ में टैक्सेबल कब होगा? अगर ए इस पैसे को यूज कर रहा है फॉर बिजनेस प्रोफेशन इन इंडिया और इनकम अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया, ऐसा नहीं है. पढ़िए, यहां फर्क है और यही क्वेश्चन पेपर 6C में लास्ट टाइम आ गया, MCQ. कोई लॉजिक नहीं. मैंने देखिए लिख के डिलीट किया हुआ है, मैंने लिख के डिलीट किया हुआ ताकि आप उसे हाईलाइट कर सके. सो इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट पेबल बाय, तो हम पढ़ रहे हैं कि ये इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी अगर इंटरेस्ट NR पे कर रहा है दूसरे NR को, और जो बोरो कर रहा है वो कौन है? अ पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट वेयर द इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट इनकर्ड मनी इज बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया और फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया. ये लाइन नहीं है बेयर एक्ट में, ये लाइन नहीं है बेयर एक्ट में. और पिछली बार पेपर 6C में MCQ ये वाला था. स्टूडेंट्स कहते हम सही करके आए हैं बट गलत करके आए थे. फॉर एग्जाम्पल, सो नोट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन मनी इज बोरोड बाय नॉन रेजिडेंट फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस प्रोफेशन विल नॉट बी डीम्ड टू एक्रोराइज इन इंडिया. इफ अ नॉन रेजिडेंट ए बोरोस मनी फ्रॉम नॉन रेजिडेंट बी एंड इन्वेस्ट द सेम इन शेयर्स इन इंडियन कंपनी, क्या होगा फिर? इंटरेस्ट पेबल बाय ए टू बी विल नॉट बी डीम्ड टू एक्रोराइज इन इंडिया. क्यों? अदर सोर्स में इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहा है. इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए. चलिए 115A दोबारा से शुरू करते हैं. मैंने 115A को ब्रेक कर दिया है पार्ट्स में, 115A को मैंने पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है. पेज 48, पेज 48, 115A दोबारा शुरू कर रहे हैं, मतलब पार्ट्स में करा रहा हूं को पार्ट्स में. टैक्स ऑन इंटरेस्ट इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड फॉरेन कंपनीज वेयर द टोटल इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी और अ नॉन रेजिडेंट इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न ऑन मनी इज बोरोड बाय द गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न इन फॉरेन करेंसी.
other than referred in 2, 3, 4, 5 below. 20% is the tax rate. बताइए कंसेशनल टैक्स रेट है या नहीं है? अगर फॉरेन कंपनी होती है तो टैक्स रेट 40% होता है, एनआर होता है तो स्लैब लग जाती है, हाईएस्ट स्लैब रेट 30% पहुंच जाते हैं आप, बट यहां टैक्स रेट इज ओनली 20%। ध्यान दीजिए ये इंटरेस्ट किस पर है? गवर्नमेंट से रिसीव हो रहा है या इंडियन कंसर्न से रिसीव हो रहा है? किस चीज पर? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इसमें पब्लिक डिपॉजिट्स भी आ जाएंगे या नहीं? क्यों नहीं आएंगे? व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट? मनी इज बोरोड, में लोन भी आ जाएगा, डिबेंचर भी आ जाएगा, बॉन्ड भी आ जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट भी आ जाएगा। इशूड बाय बोरोवर, व्हाट इज पब्लिक डिपॉजिट? नथिंग बट अ लोन ओनली। और पेपर 6C में मैं आपको और इसे फैलावा देता हूं, कंसेप्ट को और वाइडन करते हैं। वहां पर कन्वर्टेबल डिबेंचर भी आ जाएगा। अच्छा, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है फॉरनर को, वेर आई से फॉरनर मीन्स नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, ऑन मनी इज बोरोड बाय द गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न इन फॉरेन करेंसी अदर देन इंटरेस्ट रेफर्ड इन 2, 3, 4, 5 फिलो। ये जो 2, 3, 4, 5 है वहां पर कंसेशनल टैक्स रेट दिया है 5%। अगर ये वाले इंटरेस्ट है तो 5% लगेगा, अदर देन दिस इट इज 20%। स्टार लगाइए। इफ मनीज आर बोरोड बाय इंडियन कंसर्न गवर्नमेंट इन इंडियन करेंसी एंड द केस डज नॉट फॉल इन 2, 3, 4 एंड 5 फिर क्या होगा? सेक्शन 115A नॉट एप्लीकेबल, नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई, नॉर्मल प्रोविजन क्या होंगी? एक्सपेंसेस will be allowed as deduction, and normal tax rates will apply. ठीक है, पेज 58 पर आइए एक मिनट।
कैसे ना, अभी हम पढ़ेंगे 115A में कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होता है। अभी हम पढ़ेंगे कि 115A में कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होता है। मैं तो यहां से 115A से बाहर आ गया हूं कि जहां इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कंसर्न ने पैसा बोरो किया इंडियन करेंसी में, बताइए लॉ फिर स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दे रहा? कंट्री को जरूरत है फॉरेन करेंसी की। अगर फॉरेन करेंसी आ रही है तब हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको। अगर इंडियन करेंसी में बोरिंग आ रही है, इन दैट केस यू आर आउट ऑफ दिस सेक्शन, नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई। नॉर्मल प्रोविजन मीन सेक्शन 57, वहां एक्सपेंस आपको अलाउ हो जाएंगे। टैक्स रेट्स नॉर्मल लगेंगे, फॉरेन कंपनी है 40%, इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट्स लगेंगे। पेज 58 पर आइएगा, क्वेश्चन 6 देखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। पेज 58 क्वेश्चन 6, एक्स लिमिटेड एंड नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी हैज एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन एग्रीमेंट ऑन फरवरी 21, 2004 with an Indian company as in receipt, as in and is in receipt of the following payments during the previous year ended 31st March 21, how will you deal with them for computation of income of X Australia Limited? ध्यान से पढ़िए पॉइंट वन क्या है, मुझे समझाइएगा यह है क्या है? ₹50 लाख की रॉयल्टी है, वो रॉयल्टी किस रेट पर टैक्स होगी? 10% 115A। कंपनी क्या कर रही है, इंडियन कंपनी पेमेंट करने की जगह क्या कर रही है? डिबेंचर इशू करी, 8% डिबेंचर्स, बोरिंग्स हो गई ना। मैं इंडियन कंपनी हूं, आप ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, आपने मुझे नो हाउ दिया, मैंने 50 लाख देने आपको, 50 लाख इनकम हो गई, नो हाउ इनकम आपकी, सो 50 लाख रॉयल्टी विल बी टैक्स इन योर हैंड्स। अब मैंने 50 लाख चेक देने की जगह कहा 50 लाख डिबेंचर ले लीजिए, इट्स अ बोरिंग ओनली। क्यों नहीं हुई? एक तरह से मैंने 50 लाख का चेक दिया, हाथ के हाथ 50 लाख का चेक वापस लेके डिबेंचर पकड़ा दिया आपको। तो हाँ, ये बोरिंग से मेरी इंटरेस्ट भी पे करना है मुझे। और देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है, और प्रैक्टिकल लाइफ ही एग्जामिनर पूछता है आपसे। एंड देयरफॉर पहले तो 50 लाख की रॉयल्टी इनकम हो गई, एफटीएस इनकम हो गई, 10% टैक्स होगी, 8% डिबेंचर्स हैं, कब इशू हुए हैं ये? 1 जुलाई, यानी 9 मंथ का इंटरेस्ट हो गया, कितना हो गया? 50 लाख पर हो गया 5/40, 4 लाख हो गया पूरे साल का, 9 महीने का कितना हो गया? 3 लाख। 20% टैक्स लग जाएगा 115A में, बोरोइंग इंडियन करेंसी में है, विवेक, बोरोइंग इंडियन करेंसी में है, एंड देयरफॉर 115A नहीं लगेगा। देखिए कितने क्लेवरली एग्जामिनर आपकी कंसेप्ट टेस्टिंग कर रहा है। और ये इंटरेस्ट टैक्स होगा इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन कंपनी एट द रेट ऑफ 40%। नंबर टू देखिए, सर्विस चार्जेस एट द रेट ऑफ 2.5% ऑफ द वैल्यू प्लांट मशीनरी फॉर 500 लाख लीज्ड आउट टू इंडियन कंपनी पेबल ईच ईयर बिफोर 31st March। याद आया, रॉयल्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा मशीन का किराया, एंड दिस विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10% अंडर सेक्शन 115A। ये क्वेश्चन कब आया था एग्जाम में? नवंबर 2003, पेज 64 पर आइए, क्वेश्चन 14 देखिएगा,
क्वेश्चन 14 देखिए, क्या दिख रहा है उसमें आपको? डिट्टो कॉपी है. सो दैट इज व्हाई मैं लास्ट 30 इयर्स के क्वेश्चन रखता हूं, क्योंकि फिर हम रिस्क फ्री हो जाते हैं. थोड़ा सा आपका बोझ बढ़ जाता है कि क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ जाते हैं, बट बिलीव मी एग्जामिनर के पास कुछ नहीं है. या तो वो पुराने क्वेश्चन होते हैं वो लेता है, या फिर जो अमेंडमेंट्स आती है उससे लॉ बना, उससे क्वेश्चन बनाता है. क्लियर है? वापस आ जाइए पेज 48. अब क्या था, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए. गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए. व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? हाईवे, एयरपोर्ट्स वगैरह. जो बैंक्स होते हैं वो लेंडिंग करते हैं 12-13% रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कहा, डेट फंड बना लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड बना लीजिए. जो बाहर कंपनी से, बाहर एनआर फॉरेन कंपनी से पैसा लेके आएगा इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, लोन्स वगैरह, ये पैसा मिल जाएगा 4% के हिसाब से. और फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स किसकी फाइनेंसिंग कर देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की, 5% पर, 5.2 कर लेते हैं, 5.2% पे फाइनेंसिंग कर देंगे. मैंने 5.2 इसलिए किया क्योंकि टैक्स रेट से कंफ्यूज ना कर जाए आप. आप क्या हो रहा है देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को सस्ता फाइनेंस मिल गया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर सकती हैं, कॉस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ी. इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स की इनकम 1047 में एग्जाम कर दी गई. कितनी इनकम हो रही है इसे? 1.2%. सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की इनकम 1047 में एग्जाम कर दी गई. एंड ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड इंटरेस्ट पे करेगा एनआर फॉरेन कंपनी को, इल बी टैक्सेबल ओनली एट द रेट ऑफ 5%. नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनीज भी सेटअप कर सकती है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स कैन बी सेटअप बाय इवन कंपनीज. देखिएगा, इंटरेस्ट रेफर्ड इन सेक्शन 194LB, और वहां कोई कंडीशन नहीं है कि पैसा फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, और इस इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 5%. हाथ की याद 194LB देख लेते हैं. LB पेज 49 पर दिया है. 194LB किस चैप्टर में आता है? TDS. तो TDS के चैप्टर में मैंने ये सेक्शंस नहीं कराए थे आपको, इस वजह से नहीं कराए थे. वेयर एनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल टू अ नॉन रेजिडेंट और टू अ फॉरेन कंपनी बाय होम बाय अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड रेफर्ड इन सेक्शन 1047. The person responsible for making the payment shall, at the time of credit of such income to the account of the payee or at the time of payment, whichever is earlier, deduct TDS at the rate of 5%. Clear हो गया? यानी कि अगर infrastructure debt fund borrow कर रहा है किससे? NR foreign company से. यहां condition foreign currency की नहीं है, बट ऑब्वियसली पैसा फॉरेन करेंसी में आएगा बाहर से. तो उस केस में जो इंटरेस्ट पे होगा फॉरेन कंपनी को, नॉन रेजिडेंट को, दे विल बी टैक्सेबल ओनली एट द रेट ऑफ 5%. क्या इंसेंटिव दिया फॉरेनर्स को आपने? रटिए मत प्लीज.
कि फॉरनर पैसा दें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को? ऑप्शन है ये वाला या ये वाला, कहां देगा फॉरनर? जहां 20% टैक्स लगेगा वहां देगा या 5% में देगा? जहां 5% टैक्स लगेगा वहां देगा। एंड देयरफॉर ये इंसेंटिव लेके आया कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड पैसा रेज कर रहा है फ्रॉम एनआर फॉरेन कंपनीज, उनको जो इंटरेस्ट पे करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड उस पर टैक्स लगेगा 115A के हिसाब से 5%, एंड 194LB कहता है टीडीएस 5% कट जाएगा। बताइए थ्री। इन्होंने फिर इंडियन कंपनीज को भी इंसेंटिव दिया, क्योंकि अभी देखिए इंडियन कंपनीज अगर लोन इश्यू कर रही हैं, बॉन्ड्स इश्यू कर रही हैं, वहां इंटरेस्ट पर फॉरनर को टैक्स लगता है 20%। तो इंडियन कंपनीज ने भी कहा कि हमें भी इस तरह का बेनिफिशियल प्रोविजन दीजिए ताकि हम भी बाहर से फंड्स रेज कर सके। बिकॉज अब क्या होगा, इस सेक्शन के आने के बाद लोग हम में पैसा नहीं लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में पैसा लगाएंगे। एंड देयरफॉर गवर्नमेंट लेके आई 194LC पेज 50। यहां कंडीशन है कि पैसा फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, इंडियन कंपनी या फिर बिजनेस ट्रस्ट बोरो करती है मनी इन फॉरेन करेंसी, किससे? नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी बाय और थ्रू ये इंस्ट्रूमेंट है, ये टाइम पीरियड ऑफ बोरोइंग है, एंड द लोन शुड बी बोरोड ओनली इन फॉरेन करेंसी। या तो लोन ले रही है या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू कर रही है, या फिर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इशू कर रही है, या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू कर रही है। ये पीरियड है, लोन इस पीरियड में इशू होना चाहिए, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इस पीरियड में इशू होने चाहिए, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू हो सकते हैं अप टू 30 जून 2023। रुक जाइए, रुक जाइए, अभी आपसे ही ठीक करा दो अपने आप को। तो जो ये इंटरेस्ट पे करेगा उस पर टीडीएस काटेगा एट द रेट ऑफ 5%। जस्ट कह रहे कि हमने पढ़ा था कि रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स पर तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है 10(4)C में, बट वो तो मोदी के बर्थडे से लिंक था, 17 सितंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक जो बॉन्ड इशू हुए हैं उस पर एग्जेम्प्ट था। उससे पहले इशू हुए या उसके बाद इशू हुए वो तो टैक्सेबल है, अब उसे टैक्स कर दिया एट 5% ओनली। आरडीबी 1,00,000 रुपए का इशू करिए रिलायंस, कंडीशन है कि बाहर से डॉलर्स लेके आएंगे आप, डॉलर्स इक्वल टू रुपीज 1,00,000, 1,00,000 का बॉन्ड ले लीजिए, जब रिडीम करेंगे हम आपको 1,00,000 रुपए इंडियन रुपीज दे देंगे, अपने डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाइए बाहर। ठीक, तो क्या बेनिफिशियल प्रोविजन लेके आ रहे हैं आप? देखिए मैं ये चीजें रटा सकता हूं आपको, एक मिनट रुक। सबसे पहले क्या था, इस सेक्शन में 20% का कंसेशन रेट लगता था, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में फाइनेंसिंग होनी चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड अलाउ कर दिए कि वो बोरो करें फॉरनर से और फिर पैसा दे इंडियन कंपनीज को, और जो बोरो करेंगे फॉरनर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, उस पर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा फॉरनर को। अब इंडियन कंपनीज ने बोला कि अब तो सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में जाएगा, हमें कोई देगा नहीं पैसा। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आपके लिए लॉ चेंज करते हैं कि अगर इंडियन कंपनी क्या कर रही है, लोन ले रही है,
या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू कर रही है, या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो खुद ही लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू कर रही है, या फिर आरडीबी इशू करती है, इंडियन कंपनी या फिर बिजनेस ट्रस्ट। बट यहां कंडीशन लगा दी द बोरिंग शुड बी इन फॉरेन करेंसी और बोरिंग इस पीरियड में होनी चाहिए। ये पीरियड 2019 था, अगर मेरा लास्ट मॉड्यूल देखेंगे 2019 था, ये 2019 इससे बड़ा का 2023 किया गया है, ठीक। तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच वाज अर्लियर डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 5%। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे 194LC के, दीज विल बी अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कहीं कोई प्राइवेट कंपनी फॉरनर को चीट ना कर ले, हमें ये भी तो देखना है ना कि फॉरनर का इंटरेस्ट खराब नहीं होना चाहिए। आपने सुना रिलायंस कम्युनिकेशन में क्या हुआ? रिलायंस कम्युनिकेशन ने बॉन्ड्स इशू किए थे फॉरनर्स को, रिलायंस कम्युनिकेशन जीरो हो गई है। अब उसके जो बॉन्ड होल्डर हैं उनको कुछ पैसा नहीं मिल रहा, अब वो शोर मचा रहे हैं कि हमने तो रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में बॉन्ड्स लगाए थे, पैसा दिया था, हमें इंटरेस्ट भी नहीं वापस मिल रहा मुझे। एंड देयरफॉर नाउ द गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट इन अप्रूविंग दिस बॉन्ड्स। हर छोटी मोटी कंपनी को अप्रूव नहीं करते ये लोग, सिर्फ रिप्यूटेड कंपनीज विद नेटवर्थ विद ह्यूज फाइनेंशियल स्टैंडिंग उनको ये अलाउ करते, अप्रूव करते हैं। क्लियर हो रहा है? वेयर इंस्ट्रूमेंट्स रेफर्ड इन 2 and 3 आर इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/20 एंड आर लिस्टेड ओनली ऑन ये अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 20 से, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, टैक्स रेट विल बी फर्दर रिड्यूस टू 4%। क्या है क्या ये नोट 2? ये जो आपने बॉन्ड्स इशू किए, आरडीबी इशू किए, इसके सिर्फ लिस्टिंग कहां होनी चाहिए? ओनली इन IFSC। इनकी लिस्टिंग सिर्फ IFSC में होगी। कुछ याद आया? कैपिटल गेन्स में सेक्शन 47, अगर IFSC में स्टॉक एक्सचेंज में ये बॉन्ड्स बिकते हैं बाय 1 NR टू अनदर NR एंड कंसिडरेशन इज पेबल इन फॉरेन करेंसी, कैप गेन्स एग्जेम्प्ट होता है और इंटरेस्ट जो मिलेगा उस पर हमने वर्ल्ड का लोएस्ट टैक्स रेट 4% कर दिया। ओनली थिंग इज लिस्टिंग शुड बी ओनली इन IFSC, ओनली लिखा है, ओनली। सो वेयर इंस्ट्रूमेंट्स रेफर्ड इन 2 and 3, बिकॉज लोन की तो लिस्टिंग होती नहीं है, लोन की लिस्टिंग तो होती नहीं है। ये जो बॉन्ड्स इशू किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इशू किया आपने या फिर आरडीबी इशू किए, इफ दे आर लिस्टेड ओनली, एक तो पहली बात यार ये इशू है कब? 1/4/20 या उसके बाद। दूसरी बात, दे आर लिस्टेड ओनली ऑन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC, उस केस में इंटरेस्ट टैक्सेबल हुआ एट द रेट ऑफ 4%। तीसरा जो जश्न का कंफ्यूजन था, इंटरेस्ट ऑन आरडीबी इशू ड्यूरिंग द पीरियड 17/9/18 मोदीज बर्थडे टू 31/3/19 इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एज पर 10(4)(c), देयरफॉर नो TDS विल बी डिडक्टेड ऑन सच इंटरेस्ट अर्न इन एनी प्रीवियस ईयर। आप विश्वास करिए ये सेक्शन जो है ना बेयर एक्ट में 1.5 पेज का बन रहा है, मैंने इसमें 4 घंटे लगाकर इसको कंसाइज किया है। सो आप देखेंगे बहुत कंसाइज फॉर्म में आ रही है।
194 एलसी में सबसे खास बात फॉरेन करेंसी। इशू कौन कर रहा है? इंडियन कंपनी और बिजनेस। क्या इशू करिए? लोन्स या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और आरडीबीज। तो टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 5%, बट ये बॉन्ड्स लोन एग्रीमेंट शुड बी अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नंबर टू, अगर बॉन्ड्स और आरडीबीज इशू हो रहे हैं 1/4/2020 या उसके बाद फाइनेंस एक्ट 20 अमेंडमेंट और लिस्टिंग हो रही है ओनली इन IFSC स्टॉक एक्सचेंज, इन दैट केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% इंस्टेड ऑफ 5%। नीडलेस टू से आरडीबी इज इशूड फ्रॉम 17 September 2018 टू 31 March 2019, वो तो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(4)(c). क्लियर? वापस आ जाइए। इनफैक्ट मैंने कोशिश की थी कि पेज 48 पर ये इस चार्ट में सब कुछ इंक्लूड कर दूं, बहुत कोशिश की बट हो नहीं पाया, तो मैंने फिर जैसे बेयर एक्ट में प्रेजेंटेशन है वैसे ली है। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द बेयर एक्ट, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द बेयर एक्ट। ऑल दो मैंने कोशिश की थी कि 194 एलसी यहीं डाल दूं, बट वो बहुत स्टेगरिंग हो रही थी चार्ट्स में, मतलब मैसअप हो रहा था। इंटरेस्ट रेफर्ड इन 194 एलसी, यहां 5% ओब्लिक 4% क्यों लिखा मैंने? अगर बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं, आरडीबी इशू हो रहे हैं 1/4/20 के बाद, 1/4/20 ऑन और आफ्टर 1/4/20, लिस्टिंग हो रही है ओनली इन IFSC, रेट ऑफ इंटरेस्ट द रेट ऑफ टैक्स इज ओनली 4%। ठीक, अच्छा, यू नो व्हाट इज FII? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्या हर फॉरनर FII बन जाता है? नो, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है आपको एज FII अगर आपकी एटलीस्ट $4 बिलियन की नेटवर्थ है, आपका एटलीस्ट आई थिंक 21 कंट्रीज में प्रेजेंस है, आप के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपके अगेंस्ट कहीं भी फ्रॉड के रिकॉर्ड्स नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको अप्रूव करती है FII। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी तक 129 FIIs अप्रूव्ड है, एज पर द लास्ट डेटा अवेलेबल विद मी 129 FIIs हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको हम क्या बोलते हैं? और FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी बोलते हैं। सो FIIs आर ऑल्सो नोन एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। आज आप देख रहे हैं शेयर मार्केट में धूम मची हुई है, आज सेंसेक्स एक नई हाई क्रिएट कर गया, 44,500 बीच कर गया। आपने सुना होगा कि येस्टरडे FIIs ब्रॉट इन 5,000 crores, CNBC से बता रहे थे आज कि येस्टरडे FIIs इन्वेस्टेड 5,000 crores इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स। तो आज सबसे बड़ा प्लेयर इंडियन मार्केट्स में है FIIs। अच्छा, FIIs के लिए जब ये पहली बार इंडिया में आते हैं तब कंडीशन लगाते हैं कि आप पैसा फॉरेन करेंसी में लेके आएंगे, उसके बाद मतलब जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए फॉरेन करेंसी होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते बताइए? एक बार पैसा फॉरेन करेंसी में ले आए, आपने इन्वेस्ट किया मार्केट्स में, फिर बेचेंगे तो FII के पास क्या जाएगा? इंडियन करेंसी, उसी को इन्वेस्ट करेंगे। एंड देयरफॉर आप देखेंगे हम एक सेक्शन करेंगे आज ही 115AD FIIs के लिए, आज ही करेंगे, जहां आप देखेंगे सरकार ने कंडीशन नहीं लगाई हुई
कि पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन करेंसी में ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि जब ये पहली बार इंडिया में आते हैं तब कंडीशन होती है दैट यू विल ब्रिंग द मनी ओनली इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। अब इन FIIs के पास बहुत पैसा है, इनसे कंपनीज में पैसा लगवा सकते हैं, इनसे सरकार भी बोरो करना चाहेगी। इनके पास तो देखे ना, एक दिन में शेयर मार्केट में 5,000 करोड़ लगा रहे हैं ये। और अगर आप न्यूज़पेपर की फिगर्स पढ़ें कि FIIs इतने बिलियन डॉलर्स लेके आए इस पेंडेमिक पीरियड में भी, तो FIIs आर फ्लश विद फंड्स, पैसा जबरदस्त है। एंड नाउ गवर्नमेंट ने कहा कि इनसे फंडिंग करवाते हैं, किसकी? इंडियन कंपनीज की, खुद की भी, गवर्नमेंट की भी। मैंने बताया था ना लास्ट टाइम, फाइनेंस एक्ट 20 से कंसेप्ट और लेके आए क्या, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड्स इशू करेंगे, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पास पैसा नहीं है, उनको पैसा दिलवाना है, और सबसे बढ़िया सोर्स है FIIs से दिलवा दीजिए या फिर कुछ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे दिलवा दीजिए। पेज 50, 194 LD, देखिए मैं ये धीरे धीरे करा रहा हूं, आप क्वेश्चंस देखेंगे पास्ट ईयर्स के एग्जाम में आपको पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है, अदरवाइज दिस सेक्शंस आर नॉट वर्थ मोर देन 10 मिनट्स ईच, जहां मैं कोशिश कर रहा हूं कि आधा घंटा लगे लगने दो। 194 LD, वेयर इंटरेस्ट इज पेबल टू अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। सो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है एज QFI, दे आर नॉट $4 बिलियन वाले नहीं होते, छोटे होते हैं। सो लेट्स से 100 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है वो, तो उसे डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट एज क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। तो अब ये पैसा लगा रहा है कौन, FIIs या QFIs, कहां पर? रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, और क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और क्या है, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी। ये फाइनेंस एक्ट 20 से आया है, ये फाइनेंस एक्ट 20 से आया है। ये देखिए, ध्यान से देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर जो 194 LC में लिखा और यहां लिखा, फर्क है, वहां बोरिंग इस पीरियड में होनी चाहिए, यहां पर क्या है, इंटरेस्ट इस पीरियड में दिया जा रहा है, इंटरेस्ट इस पीरियड में दिया जा रहा है। सो RDBs ऑफ इंडियन कंपनी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी इज एडेड बाय फाइनेंस एक्ट 20। तो जो पर्सन पेमेंट करेगा इंटरेस्ट की एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, जो भी अर्लियर है, डिडक्ट करेगा TDS एट द रेट ऑफ 5%। और वही बात मैंने रिपीट की हुई है कि अगर RDB इशू हुए थे ड्यूरिंग द पीरियड 17/9/18 टू 31/3/19, देन देर इज नो, द इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट एंड देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ TDS। आ जाइए वापस, तो देखिए प्लीज, देखिए प्लीज, वन तो जनरल है, जो 2, 3, 4, 5 में नहीं आएगा वो 1 में आएगा। 2 में है जहां बोरोइंग्स कर रहा है कौन,
इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, वो इंटरेस्ट पे करेगा फॉरनर को, एनआर फॉरेन कंपनी को, टैक्स लगेगा एट 5% एंड टीडीएस कटेगा 194 LB में 5%। नंबर थ्री, इंडियन कंपनीज बिजनेस ट्रस्ट लोन ले रही है या फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कर रही है, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू कर रही है या फिर आरडीबी इशू कर रही है फॉरेन करेंसी, तो टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट। बट अगर आरडीबी इशू हुए हैं 1/4/20 या उसके बाद और वो सिर्फ लिस्टेड है इन आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंज इन आईएफएससी, देन इंटरेस्ट विल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। कॉरेस्पॉन्डिंगली टीडीएस का भी सेक्शन 5% 4% है। नेक्स्ट एलडी एफआईआई क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है या तो आरडीबी में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या फिर म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज। म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय द फाइनेंस एक्ट 20, तो उस इंटरेस्ट पर टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 5%, टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 5%। क्लियर? यहां पर कोई मुझे लॉजिक नहीं मालूम इसका, सिर्फ ये टाइम पीरियड जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो इस पीरियड में होगा तो एग्जेम्प्ट है, सॉरी तो टैक्स वाले 5% पर। हाँ, इस वाले केस में अगर इन्वेस्टमेंट इस पीरियड में कर दिया आपने तो इंटरेस्ट इससे आगे वाले पीरियड में भी 5% में टैक्स होगा। इतना बारीकी भी मचाइए अभी, काफी आपके लिए। क्लियर है? आ चाहिए। याद करिए बिजनेस ट्रस्ट, बिजनेस ट्रस्ट में क्या होता है, बिजनेस ट्रस्ट मेन पैसा कहां लगाती है, एसपीवी में। एसपीवी में मॉल है, एसपीवी में पैसा लगा दिया, लोन दे दिया, एसपीवी बिजनेस ट्रस्ट को क्या पे करती है, इंटरेस्ट पे करती है। फिर बिजनेस ट्रस्ट पैसा आगे यूनिट होल्डर को बांटती है, क्या करते हैं फिर हम, ये जो इंटरेस्ट इनकम होती है ये टैक्सेबल होती है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अब क्या है यहां पर, समझाएंगे मुझे, फिफ्थ क्या है, ये देखिए, इसने एनआर को ने यूनिट्स होल्ड किए, लेट्स से 1 लाख यूनिट्स, रीट ने एसपी में पैसा लगाया 100 करोड़, यहां से इंटरेस्ट आया 12 करोड़। इनविट रेट की अदर इनकम्स हैं, लेट से 24 करोड़, 36 करोड़ की इनकम है। अब ये रीट 36 करोड़ बांट देती है यूनिट होल्डर को, इसके पास जाता है मान लीजिए, ये रिसीव करता है मान लीजिए 2 लाख रुपीस, क्या ब्रेकअप होगा इसका। देखिए मैंने आपको कोर्स इतनी अच्छे से इसलिए कराया है
ताकि ये गलतियां ना करें आप। हम मानेंगे कि इसमें से इंटरेस्ट मिला है, इस रेशो मिला है, यानी 66,667 इंटरेस्ट है और 1,00,000 अदर इनकम मिली है, ये तो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्स होगी। अब बता दीजिए मुझे क्लॉज 5 क्या कह रहा है, इस पर टैक्स लगेगा 5% और टीडीएस भी काटेगी रीट एट द रेट ऑफ 5%। कराया हुआ मैंने आपको, ये अपने मॉड्यूल घर जाके चेक करिएगा, मॉड्यूल घर जाके चेक करिएगा बिजनेस ट्रस्ट का, वहां मैंने ये वाला केस कराया हुआ आपको, ठीक, किसको याद आया, क्लियर है? प्लीज लेट मी क्विकली रिवाइज इट वंस अगेन। चलिए स्टार्ट करिए, आप लोग बोलिए, हमारा 1 घंटा होने वाला है पूरा, इतना सा पोर्शन नहीं कर पाया मैं, बट बिलीव मी बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे एग्जाम में, एमसीक्यू इसमें से 100% आएगा, 100%, और कंसेप्ट क्लियर होगा तो एग्जामिनर आपको घुमा नहीं पाएगा, उसे मालूम है बच्चा याद करके था 5%, आरडीबी 4%, वो यह गलती करवाएगा आपसे। स्टार्ट करते हैं। 2, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ने लोन्स रेज किए, डिबेंचर्स इशू किए, बॉन्ड्स इशू किए फॉरनर को, व्हेन आई से फॉरनर मींस एन फॉरेन कंपनी, उनको इंटरेस्ट पे कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, तो क्या होगा, इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एट 5% एंड 194LB में टीडीएस कटेगा 5%। नेक्स्ट, इंडियन कंपनी बिजनेस ट्रस्ट 3 चीजें, 1, लोन दे रही है, 2, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू कर रही है, 3, आरडीबी इशू कर रही है, पीरियड अप टू 23, और ये इशू कर रही है इन फॉरेन करेंसी, तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 5%, टीडीएस करेगा एट द रेट ऑफ 5%, बट ये जो बॉन्ड्स हैं, आरडीबी हैं, दे शुड बी अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि फॉरनर्स को चीट ना कर ले कोई। नेक्स्ट, इसी में अगर आरडीबी इशू है 1/4/20 उसके बाद और लिस्टेड है ओनली इन द स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC, टैक्स रेट इज 4%, टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 4%। नीडलेस टू से आरडीबी जो मोदी के बर्थडे 17 सितंबर 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक इशू हुए थे, वो तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्टी है। नेक्स्ट, LD, FII, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, पैसा लगाता है कहां, आरडीबीज, नंबर 2, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 3, म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज फाइनेंस एक्ट 20, तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 5%, टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 5%, 5, जो बिजनेस ट्रस्ट इनकम बांटेगी यूनिट होल्डर को, उसमें जो एसपीवी से इंटरेस्ट का पोर्शन है, अगर एनआर को पे हो रहा है, फॉरेन कंपनी को पे हो रहा है, टैक्स लगेगा 5%, टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 5%। ये मैंने आपको बिजनेस ट्रस्ट में सेक्शन कराया था इसका, क्लियर? चलिए अब जनरल बातें, बिना देखे बातें करते। अच्छा, एक पहला रह गया, 1 क्या था, इसके अलावा जो बोरिंग्स है फॉरेन करेंसी पे, उस पे 20%, और जो इसमें नहीं आ रहा, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 115A कहता है कि पहला नोट, स्पेशल टैक्स रेट सिर्फ इन इनकम्स के लिए है, बैलेंस इनकम्स नॉर्मल टैक्स रेट पे टैक्स होंगी। नंबर टू हमने जनरल, चलिए जनरल बताइए मैंने क्या बताया था आपको, सिंस हमने वर्ल्ड का लोएस्ट टैक्स रेट दे दिया आपको, कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, 28-44C नहीं मिलेगा, 57 नहीं मिलेगा, Chapter 6A नहीं मिलेगा, सिर्फ कहां मिलता है, रॉयल्टी, FTA से मिलता है।
लॉसेस किसी और बिजनेस वगैरह के वो सेटअप हो जाएंगे या नहीं? हो जाएंगे. डेप्रिसिएशन नहीं होगी 28 to 44C. नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अलाउंस विल बी अलाउड टू द असेसी अंडर सेक्शन 28 to 44C ऑफ 57 इन कंप्यूटिंग द अबव इनकम्स. डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 इज नॉट अवेलेबल ऑन द अबव मेंशन इनकम्स. देयरफॉर इफ द GTA ऑफ द असेसी कंसिस्ट ऑफ ओनली द अबव इनकम्स देन नो डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर चैप्टर 6 ए. और अगर अदर इनकम्स हैं तो अदर इनकम्स पर चैप्टर 6 ए मिल जाएगा. इलस्ट्रेशन NR की फॉलोइंग इनकम्स है इंडिया में. इंटरेस्ट इनकम रेफर्ड इन 115A 4 लाख, अदर इनकम्स 250. उसने 3 लाख PM फंड को दिया हुआ है, क्या होगा बताइए? अब सिर्फ 250 की डिडक्शन मिलेगी. क्लियर? नेक्स्ट. ओके, रुक जाइए. चैप्टर 6 से डिडक्शंस नहीं मिलेंगी आपको फॉर दीज इंटरेस्ट इनकम. लेकिन फाइनेंस एक्ट 19 ने यहां अमेंडमेंट की. ये मैं आपको अमेंडमेंट प्रॉपरली कराऊंगा इन द चैप्टर ऑफ IFSC. इसी मॉड्यूल में मैंने एक चैप्टर लिया हुआ IFSC. मैंने एक चैप्टर लिया हुआ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स. तो कर लेंगे, RDB तो कंप्लीट कर ही लेते हैं हम. आप क्या, चलिए निकालिए RDB का चैप्टर. एक मिनट, चलिए चलो रुके. लेट्स कंप्लीट दिस एंड देन फिनिश RDB. पहले ये कंप्लीट कर ले. लेट्स कंप्लीट दिस. फाइनेंस एक्ट 19 ने कहा, अच्छा 115A कह रहा है कि इंटरेस्ट इनकम्स पर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगी. ठीक है, फॉरनर का यूनिट IFSC में लोकेटेड है. फॉरनर का यूनिट IFSC में लोकेटेड है, उसे डिडक्शन मिलती है ATLA में. 15 साल में से 10 साल चूज कर लीजिए, 100% इनकम एग्जेम्प्ट. यहां दिक्कत आ जाएगी क्योंकि ATLA नहीं मिल पाएगा. एंड देयरफॉर फाइनेंस एक्ट 19 ने बोला दैट डिडक्शन अंडर सेक्शन ATLA. याद करिए हमने जो वो कितना स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल टैक्स रेट 115 BAB BA वगैरह, वहां सब जगह चैप्टर 6 से मना कर रहे थे, बट दे रहे थे आपको ATLA ATJJAA. याद आया? मैं यही बातें समरी में हाईलाइट कर रहा हूं. फाइनेंस एक्ट 19 हैज अमेंडेड सेक्शन 115A टू प्रोवाइड अ डिडक्शन अंडर ATLA शैल बी अवेलेबल टू द यूनिट ऑफ द फॉरेन कंपनी ऑन नॉन रेजिडेंट लोकेटेड इन IFSC. सेक्शन ATLA प्रोवाइड्स फॉर 100% डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द यूनिट्स लोकेटेड इन IFSC फॉर 10 असेसमेंट ईयर्स out of the block of 15 assessment years. Therefore, if the foreign company non-resident has set up a unit in IFSC and that unit gives loans to or subscribes bonds to the Indian company in foreign currency and earns interest in foreign currency referred in 115A, then the entire interest earned is allowed as deduction under ATLA. 4. Aapko return filings exemption hai. अगर आपकी इनकम कंसिस्ट करती है ओनली द इनकम्स रेफर्ड इन सेक्शन 115A एंड इस पर TDS डिडक्ट हो गया है एट द रेट्स नॉट लेस देन द टैक्स रेट्स गिवन इन 115A, पता ही मेरी रॉयल्टी इनकम है, FTS इनकम है और ये इंटरेस्ट इनकम है, इन सब पर TDS कट गया है, करोड़ों की इनकम है, आई एम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ फाइलिंग द ROI. 5. सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हो जाएंगे आपके. कोई और बिजनेस के लॉसेस है वो सेट ऑफ कर सकते हैं इन इनकम्स अगेंस्ट. 6. डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं होगी बिकॉज दैट इज गवर्न बाय सेक्शन 32(7). ये तो मैंने रिपीट किया है.
ये मैंने रिपीट किया है कि अगर इंटरेस्ट पेबल है टू एनआर फॉरेन कंपनी बाय ए यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी ऑन और आफ्टर 1/9/19 वो तो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है. फिर आरडीपी वाले मैंने नहीं सॉरी एट फाइनेंस एक्ट 20 ने क्या बोला है इफ अ नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी बाइज इन फॉरेन करेंसी एल लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और आरडीबीज एंड सच लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और आरडीबीज आर लिस्टेड ओनली ऑन द स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी एंड आर इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/20 देन द इंटरेस्ट ऑन सच बॉन्ड्स आरडीबीज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 4%. इट मे बी नोटेड दैट इन सेक्शन 194 एलबी एंड एलडी कोई कंडीशन है कि फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. And 10, Finance Act 20 is provided concession rate of 5% to FIIs and QFI if they make investment in municipal debt securities on or after 1/4/20, there is no condition that investment should be in foreign currency. ये मैंने deliberate repetition की है because ये चीजें सारी amendments हैं Finance Act 20 की. Clear है आप लोग? एक काम करेंगे आज क्लास के एंड में कर लेंगे आरडीबी वाला चैप्टर, हो गया हमारा कंप्लीट. वैसे क्या है ना आरडीबी मैंने आपको जगह जगह कराया था, कैप गेन्स में कराया था, ठीक है, आप फॉरेन टैक्सेशन में कराया, सब कुछ इकट्ठा करके एक चैप्टर में ले आएंगे आज एंड ऑफ द क्लास. इंटरेस्ट इज क्लियर नाउ. देखिए प्लीज फॉरेन टैक्सेशन के मेजर एलिमेंट्स हैं. मैंने बताया था ना फॉरेनर कैसे इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, बॉन्ड्स डिबेंचर्स लोन्स देता है उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है. इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी 115A में हमने सारी डील कर ली. नो हाउ देता है, टेक्निकल सर्विसेज देता है, वो हमने बातें लास्ट लेक्चर में कर ली थी. ओके पेज 51 समझिए क्या हुआ, पहले समझ लीजिए. बैंक ऑफ अमेरिका है जो इनकॉर्पोरेट हुआ है यूएस में, बैंक ऑफ अमेरिका है जो इनकॉर्पोरेट हुआ है यूएस में. इंडिया में ये कंपनी नहीं खोल रहा, इंडिया में क्या बनाई है इसने, ब्रांच बनाई है, इंडिया में ब्रांच बनाई है. इस बैंक की एक ब्रांच सिंगापुर में भी है. अब होता क्या है, देखिए यूएस हेडक्वार्टर्स यहां लोन्स देता है, सिंगापुर ब्रांच यहां लोन्स देती है, फिर ये बैंक ऑफ अमेरिका क्या करता है, ब्रांच इन इंडिया, लोन्स इंडस्ट्री को देता है, कस्टमर्स को देता है, रिटेल लोन्स देता है. इसने इंटरेस्ट इनकम कमाई मान लीजिए 500 करोड़. अब इनको इंटरेस्ट पे कर दिया, लेट से 200 करोड़ यहां पे कर दिया, 100 करोड़ यहां इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक ओके. अब बताइए बैंक ऑफ अमेरिका के जो इंडियन ब्रांच है उसके टैक्सेबल प्रॉफिट्स क्या होंगे, 500 -200 -100, क्योंकि ब्रांच को हम इंडिया में पी मानते हैं, ब्रांच को हम इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मानते हैं. आगे जाके मैं कराऊंगा आपको वेरी सून कि जो फॉरनर की इंडिया में पी होती है उसके प्रॉफिट्स निकाले जाते हैं एज इफ, हमने लास्ट टाइम किया भी तो था ना, ये लास्ट टाइम रॉयल्टी में किया था ना, अगर पी इंडिया में है और पी के थ्रू नो हो जा रहा है तो उस पी के सारे खर्चे अलाउ कर दिए जाते हैं. ये पूरे इंटरनेशनल टैक्सेशन में है. अब ये बैंक ऑफ अमेरिका यूएस की इंडिया में पी हो गई ब्रांच, ब्रांच ने 500 करोड़ रुपए कमाया, उसमें से इंटरेस्ट पे कर दिया 300 इंटरेस्ट पे कर दिया, इसकी इनकम 200 करोड़ हो गई, नो डाउट अबाउट इट.
नो डाउट अबाउट इट। इवन डीटीएस भी ये बोलेंगे, डीटीएस बोलेंगे कि इस पी को एक तरह से एसएससी मान लीजिए और जो भी इसने इंटरेस्ट पे किया बाहर वो लेस कर दीजिए एंड नेट इज द इनकम ऑफ दिस। इस पे कोई झगड़ा नहीं था। अब ये जो 200 करोड़ मिला बैंक ऑफ अमेरिका यूएस को, 100 करोड़ मिला बैंक ऑफ अमेरिका सिंगापुर ब्रांच को, ये कहते हमारे हाथ में टैक्सेबल ही नहीं है, तो ये तो हम अपने आप को पेमेंट कर रहे हैं, इट्स पेमेंट टू सेल्फ, ये ब्रांच मेरी है, ये ब्रांच मेरी है, मेरी मतलब बैंक ऑफ अमेरिका की है। और कोर्ट्स ने कहा यस, डीटीएस में ये लिखा हुआ है कि इस पी का प्रॉफिट निकालने के लिए जो इसने इंटरेस्ट बाहर पे किया वो डिडक्ट किया जाएगा, बट डीटीए में ये नहीं लिखा हुआ ये इंटरेस्ट इनके हाथ में टैक्सेबल होगा। और बड़ी सारी कोर्ट जजमेंट्स आ गई कि ये जो इंटरेस्ट है ये इनके हाथ में टैक्सेबल नहीं है, बिकॉज ये पेमेंट वो सेल्फ है, अपने आप को पेमेंट कर रहे हैं। बताइए इंडियन रेवेन्यू लूज कर रहा है या नहीं? आपने खर्चा तो क्लेम कर लिया आप, बट इनकम नहीं मान रहे आप। सेक्शन 915 में एक्सप्लेनेशन ऐड की गई। 915 क्या था? इनकम एक्रूड डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। तो देखिए पहले एनालिसिस पढ़ लेते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको। इंटरेस्ट पेमेंट बाय बैंक ऑफ अमेरिका इंडियन ब्रांच टू बीओए हेड ऑफिस यूएस एंड बीओए सिंगापुर ब्रांच, ऑल्दो अमाउंट टू पेमेंट वाज सेल्फ बट इज डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस इन हैंड्स ऑफ बीओए इंडियन ब्रांच एज पर डीटीए। डीटीए में जब आप मेरे साथ पेपर 6C करेंगे वह हम आर्टिकल 7 करेंगे, जहां आर्टिकल 7 कहता है अगर इंडियन पी है उसको एज्यूम कर लीजिए बिल्कुल अलग एसएससी है, उसके प्रॉफिट निकाल लीजिए जो उसने बाहर पेमेंट्स किया चाहे हेड ऑफिस को की है डिडक्ट कर दीजिए, ये आर्टिकल 7 बोलेगा। तो डीटी के हिसाब से जो इंटरेस्ट पे करिए इंडियन ब्रांच टू हेड ऑफिस सिंगापुर ब्रांच इज डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस। BOA India shall be treated as a separate P and its income is taxable in India from banking operations carried on in India. Interest paid to BOA US, BOA Singapore is allowed as deduction while computing the income of Indian branch as per DTA. Several court decisions have held that this interest income is not taxable in India in the hands of BOA US, BOA Singapore, as it is payment to self. DTA do not talk about taxability of this income as per the court decisions. Now, Finance Act 915 ne in judgments ko overrule kiya or provide kiya, interest income is taxable in hands of non-resident, that is BOA USA, BOA Singapore, that is to the entity abroad to whom interest is paid. BOA India will deduct TDS on such interest. Aur agar TDS nahi kata to kya hoga? 40A1 lag jayega. Expense disallow jayega. और टीडीएस ना काटने के लिए जो आप असेसिन डिफॉल्ट बन जाते हैं पेनल्टी लग जाती है, वो सब कुछ लग जाएंगी आपके ऊपर। एंड फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस विल रिजल्ट इन डिसअलाउंस ऑफ सच इंटरेस्ट इन द हैंड्स ऑफ इंडियन पी एंड लेवी ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट।
अब आप बेरेक्ट पढ़ लीजिए ऊपर से, इट इज हेयर बाय डिक्लेयर दैट इन केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट बींग अ पर्सन एंगेज इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग एनी इंटरेस्ट पेबल बाय द पी इन इंडिया ऑफ सच नॉन रेजिडेंट टू हेड ऑफिस यूएस और एनी पी ऑफ सच नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया सिंगापुर ऑफिस शैल बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया and shall be chargeable to tax in addition to any income attributable to P in India, and the P in India shall be deemed to be a person separate and independent of the non-resident person of which it is a P, and the provisions of this Act relating to computation of total income, determination of tax, collection and recovery shall apply accordingly. यानी TDS नहीं काटा तो disallowance हो जाएगी आपकी. I hope with this example it's clear. चलिए interest हमारा complete हो गया, interest complete हो गया. अब देखिए foreigner invest करता है shares में, shares से dividend आता है, invest करता है mutual funds में, उससे income आती है dividend वाली. बताइए हमने क्या पढ़ा था रेगुलर क्लासेस में, मतलब रेगुलर कोर्स में, डिविडेंड इनकम पहले एग्जेम्प्ट होता था, अब टैक्सेबल हो गया शेयर होल्डर के हाथ में. डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स पहले एग्जेम्प्ट होता था यूनिट होल्डर के हाथ में, अब टैक्सेबल कर दिया. किस रेट पे टैक्स किया था हमने? नॉर्मल टैक्स रेट. बट एनआर के केस में, फॉरेन कंपनी के केस में सेक्शन 115A कहता है हम 20% पे टैक्स करेंगे और कोई एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा. जबकि रेजिडेंट के केस में हम क्या करते हैं? सिर्फ एक एक्सपेंस अलाउ करते हैं. कौन सा? जो लोन लिए थे शेयर्स खरीदने के लिए उस पर जो इंटरेस्ट पे किया डिविडेंड का 20% तक, वो इंटरेस्ट अलाउ हो जाता है मेरा. बट यहां पर वो अलाउ नहीं होगा. बताइए टैक्स ऑन डिविडेंड्स एंड इनकम रिसीव्ड ऑन यूनिट्स इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी और अ नॉन रेजिडेंट. देखिए मैं 115 एक साथ कराता ना 115 ने, आप थॉरली कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में कराया है. वेदर टोटल इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी और अ नॉन रेजिडेंट इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ वन, छोड़ दीजिए वन, छोड़िए अभी वन छोड़िए, टू एनी अदर डिविडेंड इनकम ऑन शेयर्स वेदर परचेज इन इंडियन करेंसी और फॉरन करेंसी और इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स परचेज इन फॉरन करेंसी ऑफ द म्यूचुअल फंड अंडर 1023D और ऑफ UTI देन इनकम टैक्स शैल बी एट द रेट ऑफ 20% फ्लैट. मैंने बताया था 115A जहां लगता है वहां 250 का स्लैब नहीं मिलता आपको. टू बात समझ में आ रही है, क्या है? डिविडेंड मिला शेयर्स पर, जल्दी बोलिए, डिविडेंड मिला शेयर्स पर, चाहे शेयर्स आपने इंडियन करेंसी में खरीदे हो या फॉरेन करेंसी में खरीदे हो, डिविडेंड टैक्स होगा 20% पर. इसमें बताइए क्या 222A, B, C, D, E भी आ जाएंगे या नहीं? आ जाएंगे. Because definition of dividend includes 222 A, B, C, D, E also.
ये कंसेप्ट मैं पेपर 6C में यूज करता हूं जब डिटेलिंग करता हूं, ये कंसेप्ट पेपर 6C में यूज करते हैं डिटेलिंग करते हैं। 3 क्या है? म्यूचुअल फंड से इनकम आई, लेकिन म्यूचुअल फंड शुड बी परचेज इन फॉरेन करेंसी, या फिर किससे इनकम आ रही है? यूनिट्स परचेज ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 1 बताएंगे क्या है? मैं याद दिलाता हूं, वो याद दिलाता हूं। 1 SPV है, रीट है, इनविट है, इधर इन्वेस्टर है, डिविडेंड देती है, ये आगे बढ़ जाता है, याद करिए रीट के हाथ में ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है। हमने कहा था कि इसके हाथ में भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर इसने 115 BA ऑफ नहीं किया है। ठीक है ना, अगर 115 BA ऑप्ट किया है फिर इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि कंसेशनल रेट ले गए आप। अब पढ़िए क्लॉज 1, और याद करिए हमने कुछ गलती भी पकड़ी थी उस समय, जस्ट आपने पॉइंट भी किया था उस समय, या शायद आपने किया था। डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इन द नेचर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम SPV रिसीव फ्रॉम अ बिजनेस ट्रस्ट वेयर SPV एक्सरसाइजेस द ऑप्शन टू बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 115 BA। घर जाके बिजनेस ट्रस्ट पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ मैंने कराया हुआ आपको कि SPV है, डिविडेंड देती है रीट इनविट को, ये आगे बांटते हैं अपने यूनिट होल्डर को, इसके हाथ में डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, इसके हाथ में भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर इसने स्पेशल 115 BA नहीं लिया है। अगर 115 BA ले लिया है तो यहां टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 20%। बट वहां हमने TDS को जो सेक्शन किया था बिजनेस ट्रस्ट में, वहां TDS 10% लिखा हुआ था। ये गलती हो गई इनसे और गलती आज भी है। ठीक। सो अगर NR फॉरेन कंपनी की इनकम आ रही है, पहला है, दूसरा डिविडेंड फ्रॉम एनी इंडियन कंपनी, चाहे शेयर्स फॉरेन करेंसी में परचेज हो या इंडियन करेंसी में परचेज हो, इसमें डीम डिविडेंड ABCD का भी आ जाएगा, तो डिविडेंड पे टैक्स लगेगा 20%। यूनिट्स और म्यूचुअल फंड से इनकम आ रही है, यूनिट शुड बी परचेज इन फॉरेन करेंसी, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ UTI, डिविडेंड पे टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 20%। ए, बिजनेस ट्रस्ट ने जो SPV का डिविडेंड बांटा, उस डिविडेंड पोर्शन पर टैक्स लगेगा 20% प्रोवाइडेड SPV हैज नॉट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAA, तो टैक्स रेट इन इनकम से 20% लगेगा। वन रेपिटेशन, ये 20% टैक्स रेट अबव इनकम्स के लिए, बाकी इनकम्स नॉर्मल टैक्स रेट पे टैक्स होंगी। नंबर 2, कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होंगी 28 to 44 or 57 भी अलाउ नहीं होगा। एंड देयरफॉर पढ़िए आखिरी लाइन में क्या लिखी हुई, अकॉर्डिंगली इवन इंटरेस्ट एक्सपेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ डिविडेंड इनकम और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन हियर। 3, चैप्टर 6 से डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर ATL है वो मिल जाएगा आपको। 4, रिटर्न फाइलिंग से एग्जेम्पशन है, अगर 115 A वाली इनकम्स हैं
उस पर टीडीएस कट गया है, टीडीएस कट गया है। फाइव, लॉसेस सेट ऑफ कर सकते हैं आप, डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं होगी। यहां मैंने एक ऐड किया इशू, देयरफॉर इफ शेयर्स आर हेल्ड अ स्टॉक इन ट्रेड, क्या पढ़ा था हमने, डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल एज अदर सोर्सेस, लेकिन अगर पीजीबी लॉस आ रहा है और शेयर्स आपके स्टॉक इन ट्रेड है तो क्या कर सकते हैं आप, लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। देयरफॉर इफ शेयर्स आर हेल्ड अ स्टॉक इन ट्रेड एंड बिजनेस लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द डिविडेंड इनकम एज पर सुप्रीम कोर्ट हमने डिसीजन किया था, वेस्टर्न स्टेट ट्रेडिंग कंपनी अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं हो सकती। अच्छा, यूटीआई खत्म हो गई है, यूटीआई दो पार्ट में बढ़ गई थी, क्या क्या, स्पेसिफाइड कंपनी एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग, ठीक, आई होप क्लियर है। इतने डम सी क्यों नजर आ रहे हैं आप लोग, आई होप समझ में आ रहे हैं ना। अब टीडीएस का सेक्शन, एक तो गलती हुई इनसे, बिजनेस ट्रस्ट के केस में जो हमने सेक्शन किया था 194 एलबीए किया था, शायद एलबीए या एलबीबी जो भी थे, उसमें टीडीएस का रेट 10% लिखा हुआ था जबकि 20% होना चाहिए था, बट गलती हो गई है। यानी इस वाले फॉरनर को रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी, सेक्शन 195 देखिए क्या कह रहा है, डिविडेंड पर टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 20%, परफेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है। 196A, इस सेक्शन में जबरदस्त गलतियां हो गई, गलतियां मतलब ये अमेंड करना भूल गए सेक्शन को, ये सेक्शन अमेंड करना भूल गए और जहां अमेंडमेंट की उल्टी सीधी अमेंडमेंट कर गए। पढ़िए आप लोगों का व्यू देखिए मुझे बताइए। एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ नॉन रेजिडेंट और टू फॉरेन कंपनी एनी इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स स्पेसिफाइड इन 1023D, 20% टीडीएस काटेगा, बिल्कुल ठीक। Any income in respect of units of specified company formed under the UTI Act is for 20% TDS katega. A galti hui inse. Administrator. Jo administrator hai, us par TDS, uske units par TDS nahi katega. Ye galti hai inse. Ye maine galti highlight ki hai, no TDS. On income, on units, or administrator of the specific undertaking under the UTI Act. TDS में कोई रिबेट नहीं था। ये गलती हुई है इनसे। सबसेक्शन 2 भी इनको उड़ा देना चाहिए था, बहुत पुराना। देखिए क्या हुआ था, एक मिनट सुनिए हुआ क्या था। 196A सेक्शन बेकार पड़ा हुआ था। क्यों बेकार पड़ा हुआ था? पहले 1035 होता था, जहां यूनिट से जो भी इनकम आती थी एग्जेम्प्ट हो जाती थी। तो ये सेक्शन बहुत पुराना 90s में बना था, जब यूनिट्स का डिविडेंड टैक्सेबल होता था इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर, वहां कुछ एग्जेम्प्शंस होती थी। अब क्या हुआ, अब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया यूनिट्स का भी, इन्होंने ये सेक्शन प्रॉपरली चेंज नहीं कर पाए। सब क्लॉज 2 डिलीट हो जाना चाहिए था, डिलीट नहीं कर पाए।
क्या है सब क्लॉज टू? देखिए पहले क्या होता था, चलिए एक बार पढ़िए, तो पहले क्या होता था, एनआरआईज जो हमारे देश के लोग हैं जो बाहर चले गए, एनआरआईज अगर वो अपने एनआरई अकाउंट से यूनिट्स खरीदते थे यूटीआई के, या बाहर से इंडिया रेमिटेंस करके यूनिट खरीदते थे यूटीआई के, तो वो इनकम सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट होती थी किसी और सेक्शन में। वो सेक्शन डिलीट हो गया था। फिर जब वो डिलीट हो गया तो इसका कोई रेलेवेंस बचा ही नहीं, मतलब गलती हुई इनसे। मैं ये क्या कह रहा है, नहीं ये है, अगर आप एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन है, इंडियन, या फिर एचयूएफ है नॉन रेजिडेंट, और आपने यूनिट्स खरीदे किससे, यूटीआई से, इसमें दोनों जाएंगे स्पेसिफाइड कंपनी एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटर। और कैसे खरीदे, फ्रॉम फंड्स इन द एनआरई अकाउंट, या फिर रेमिटेंस की आपने बाहर से इन फॉरेन करेंसी, तो उस पर यहां टीडीएस नहीं कटेगा। इस गलती का इंपैक्ट क्या हुआ, नेक्स्ट पेज पर देखिए, ₹115 ए डिविडेंड वाला, ₹195 टीडीएस ऑन डिविडेंड्स 20%, ₹194 एलबी होता है बिजनेस ट्रस्ट में, जहां डिविडेंड पर फॉरनर को जो पेमेंट कर रहे थे उस पर टीडीएस करता था 10% पर, और 196 है। अभी आपने देखा पेई कौन है, नेचर ऑफ इनकम क्या है, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी। डिविडेंड ऑन शेयर्स परचेज इन इंडियन करेंसी फॉरेन करेंसी 20% टैक्स रेट है, 20% टीडीएस है। अगर टीडीएस कट गया है रिटर्न फाइल करने की ऑब्लिगेशन नहीं है। नंबर टू, नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट कंप्राइजिंग ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एसपीवी ऑप्टिंग टू बी टैक्स एज पर सेक्शन 115 BA, 20% टैक्स लग जाएगा, लेकिन 194 LBA में 10% टीडीएस कटेगा, रिटर्न फाइल करने की ऑब्लिगेशन आ गई। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी इनकम ऑन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी परचेज इन फॉरेन करेंसी 20% टैक्स रेट है, 20% टीडीएस रेट है, नो ऑब्लिगेशन फाइल आ रहा। नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी इनकम ऑन यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेसिफिक अंडरटेकिंग 20% टैक्स रेट है, लेकिन टीडीएस नहीं है, रिटर्न फाइल करने की ऑब्लिगेशन आ गई। एनआर फॉरेन कंपनी इनकम ऑन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्पेसिफाइड कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर परचेज इन इंडियन करेंसी टैक्स रेट नॉर्मल लगेगा, टीडीएस कटेगा 20% एज पर 196 ए टीडीएस, रिटर्न फाइल करने की ऑब्लिगेशन आ गई। लास्ट पढ़िए, नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरएचयूएफ यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर फ्रॉम यूटीआई आउट ऑफ द फंड्स इन एनआरई अकाउंट, या फिर रेमिटेंस बाहर से किया आपने, 20% टैक्स है बट टीडीएस इज निल, रिटर्न फाइल करने की ऑब्लिगेशन आ गई। ये गलतियां हुई इनसे, और आप देखेंगे नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट में यही गलतियां सारी ठीक होंगी।
क्लियर है? पेज 40 क्वेश्चन 1 देखिएगा. पेज 40 क्वेश्चन 1. A foreign company furnishes the following data for the previous year 21. Royalty from Indian concerns under an agreement falling in industrial policy 20 lakh. Depreciation, salaries or expenditure. Kya karenge aap? 20 lakh royalty tax hogi. Expenses allow nahi honge. Assuming India mein PE nahi hai. Kis rate pe tax lagega? 10%. Consideration for sale of cinematographic films in India. ये तो आपने लास्ट टाइम अमेंडमेंट की थी. रॉयल्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा 10 लाख. कोई खर्चा अलाउ नहीं होगा. टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 10%. नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज. एक मिनट, लिखिए परचेस्ड इन इंडियन करेंसी. ₹115 ये लगेगा क्योंकि शेयर चाहे इंडियन करेंसी में परचेज हो फॉरेन करेंसी परचेज हो मुझे क्या नाम इरेलेवेंट है. 15 लाख टैक्सेबल है, कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा. एंड दिस 15 लाख विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%. इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंसर्न ऑन मनी इज लेंड इन इंडियन करेंसी. कितना तो टाइम लगाया मैंने आपके साथ. नहीं नहीं, फॉरेन कंपनी को पैसा मिल रहा है ना. ये यहां 20% टैक्स रेट क्यों नहीं लगेगा? फॉरेन करेंसी में लैंडिंग नहीं है. 7 लाख नॉर्मल प्रोविजन में टैक्स होगा. ये एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा. टैक्स रेट क्या लगेगा? 40%. नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन मनी इज लेंट इन फॉरेन करेंसी. 20% में आ जाएगा. एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा. डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स ऑन यूनिट्स परचेज इन फॉरेन करेंसी 2 लाख टैक्सेबल होगा. 20% पर खर्चा अलाउ नहीं होगा. 115 ये लग जाएगा. अदर बिजनेस रिसीट्स एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा. नॉर्मल टैक्स रेट 40%. लॉन्ग टर्म कैप गेन्स सेल प्राइस एंड कॉस्ट दिया हुआ आपको. ₹2.3 लाख कैप गेन हो गया लॉन्ग टर्म. उसमें 1 लाख की एग्जेम्पशन मिल जाती है 112A में. क्यों नहीं मिलेगी? सबको मिलती है वो तो. शॉर्ट टर्म कैप गेन्स एज्यूम कर लेते हैं 111A वाले हैं. 15% इंटरेस्ट ऑन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इश्यूड बाय इंडियन कंपनी ऑन 10/12/18 मोदी बर्थडे एग्जेम्प्ट. इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ यूनिट इन IFSC ऑन 1/10/19 एग्जेम्प्ट. तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन में बड़े सारे कंसेप्ट डाले. आंसर देखिए.
ठीक है, क्योंकि स्पेस है आपके इस चैप्टर में लिखने के लिए। एक काम करिए, पेज 32 यूज कर लीजिए, 32 पेज 32 यूज कर लीजिए, 32 पेज 32 जो नीचे स्पेस वहीं यूज करिए। इंडियन कंपनी ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू अ जर्मन सिटीजन एंड एम्प्लॉयमेंट कमेंसेस फ्रॉम 1720। He shall be given salary for 3 months that is 1/4/20 to 30th June 2020 as रेस्ट पीरियड सैलरी। एंड द सेम शैल बी पेड इन जर्मनी। He works in India from 1720 to 30th November 2020 He is given a leave, paid leave, from 1/12/20 to 31st March 2021.
एंड ही गोज टू जर्मनी ऑन 1/12/20। समझ में आ रहा क्वेश्चन क्या है? नहीं, हाँ एक मिनट। सैलरी है 2 लाख पर मंथ, अब देखिए इंडिया में रहा ये 1/7/20 से लेकर 30/20, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने, लेस देन 182 डेज है, देयरफॉर इज अ नॉन रेजिडेंट। अभी जो 3 महीने की सैलरी ये वाली इंडिया में नहीं था, वो उसे रेस्ट दिया गया कि एम्प्लॉयमेंट शुरू करने से पहले रेस्ट ले लीजिए आप 3 महीने का, टैक्सेबल होगी इंडिया में या नहीं? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो है, बट ये सैलरी जर्मनी में पे की जा रही है, नॉन रेजिडेंट बंदा ही है। लेट अस सी व्हाट सेक्शन 9 सेज। पेज 34, द फॉलोइंग इनकम शैल बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। 1 बिजनेस कनेक्शन में पढ़ेंगे हम, 2 इनकम विच फॉल्स अंडर द हेड सैलरीज इफ इट इज अर्नड इन इंडिया। सैलरी का इंडिया में अर्न किया, बट देखिए ये जो सैलरी है 1/4/20 से लेकर 30/6/20 तक, वो तो कहेगा मैं तो जर्मनी में बैठा था, वाहन किया मैंने, मैं जर्मनी 1/12/20 को चला गया था लीव पर, पेड लीव है मेरी, और इस तरह की प्लानिंग इंडियन कंपनीज ने की, एंड देयरफॉर क्लॉज 2 में एक्सप्लेनेशन डाल दी गई। पढ़िए क्या लिखा है। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट द इनकम ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन दिस क्लॉज पेबल फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया फ्रॉम 1/7/20 से लेकर 30/11/2020 एंड द रेस्ट पीरियड लीव पीरियड which is preceded, succeeded by services rendered in India and forms part of the contract of employment shall be regarded as income earned in India. समझ में आ गया अब? कि जब उसने इंडिया में काम किया वो तो earned in India ही, और कह रहे हैं अगर उसे आप सैलरी दे रहे किस पीरियड की, रेस्ट पीरियड दे रहे हैं आप, लीव पीरियड दे रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट से पहले है या फिर बाद में है, फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, और जो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनता है वो माना जाएगा कि इट्स इनकम अर्नड इन इंडिया एंड देयरफॉर टैक्सेबल इन इंडिया। लिखिए यहां पर सी पेज 32, पेमेंट कहां हो रही है वो इररिलेवेंट है। देखिए ना यहां पर उसकी एम्प्लॉयमेंट 1/7/20 से शुरू हुई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहता है हम आपको 3 महीने का रेस्ट देंगे पहले, और उसमें आप जर्मनी में रहिए, जर्मनी में पेमेंट करेंगे आपको, और फिर 7, 8, 9, 10, 11 5 महीने के बाद आपको एक पेड लीव दे रहे हैं, जर्मनी चले जाइए, उसकी सैलरी भी जर्मनी में दे देंगे हम आपको। तो जब ये एक्सप्लेनेशन नहीं थी तो ये जो थी 1/4/20 से 30/6/20 की इनकम टैक्सेबल नहीं होती थी, बिकॉज दिस वॉज नॉट अर्न इन इंडिया एंड द स्टेटस वॉज ऑफ अ नॉन रेजिडेंट।
इवन जो लीव पीरियड की सैलरी वो टैक्सेबल नहीं होती थी, बिकॉज वो कहता था मैं सर्विस इंडिया में रेंडर ही नहीं की। ठीक है, पेज 32 पे हेडिंग दीजिए इस एग्जांपल की, सेक्शन 91 कौन सा है, 2। Entire salary for 12 months taxable in India as per section 912। Clear हो रहा है? चले आगे। आपके फादर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है। इंडियन गवर्नमेंट आपके फादर को 2 साल के लिए बाहर पोस्ट कर देती है। इंडियन गवर्नमेंट आपके फादर को 2 साल के लिए यूएस पोस्ट कर देती है। मान लीजिए करंट ईयर में आपके फादर एक दिन भी इंडिया नहीं आए, पूरे 365 डेज ही वाज इन यूएस, और इंडियन गवर्नमेंट उनको सैलरी यूएस में पे कर रही है, यूएस में पे कर रही है। ही इज अ नॉन रेजिडेंट, स्टे इन इंडिया 0। ही इज अ नॉन रेजिडेंट, ही इज वर्किंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सैलरी इज बीइंग रिसीव्ड इन यूएसए, टैक्सेबल है या नहीं? टैक्सेबल है। सेक्शन 913 इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज पेबल बाय द गवर्नमेंट to a citizen of India for services rendered outside India is deemed to accrue or rise in India. इसके साथ एक नोट दीजिए, however एज पर सेक्शन 107, कोई जानता है क्या होता है इसमें? एनी अलावेंसेस और परक्विजिट्स पेड और अलाउड एज सच आउटसाइड इंडिया by the government to citizen of India for rendering service outside India is exempt। आपने एक बात देखी,
मुझे बताएंगे सेक्शन 9-1 में एक बात नजर आई मुझे, 9-1-5, 6-7 सब में एक बात है, नहीं देख पाए, गवर्नमेंट। अगर रॉयल्टी गवर्नमेंट पे करती है हमेशा टैक्सेबल है, इस तरह सैलरी अगर इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे उसकी बाहर पोस्टिंग हुई है, तो हमेशा टैक्सेबल है। तो एग्जामिनर आपको इस स्टेप में लेगा, एग्जामिनर आपको इस स्टेप में लेगा कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसको बाहर पोस्ट कर दिया गया, एक दिन भी इंडिया नहीं आया, दिमाग में आ गया नॉन रेजिडेंट हो गया, वैसे भी नॉन रेजिडेंट हो गया, गवर्नमेंट उसे बाहर सैलरी पे करिए यूएस में ही 2 लाख पर मंथ और 60,000 पर मंथ के अलाउंसेस दे रही है टू मीट द कन्वेंस रेजिडेंशियल अकोमोडेशन वगैरह वगैरह, तो क्या करेंगे आप? 2 लाख पर मंथ इज टैक्सेबल, 60,000 पर मंथ अलाउंसेस आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(7). प्रैक्टिकली हमारे पास लोग आते हैं, कि हम बाहर चले गए थे पोस्टिंग पर, सैलरी आती नहीं 2 लाख पर मंथ, और सरकार हमें अलाउंसेस भी दे रही 60,000 पर मंथ। हम इंडियंस हैं, पैसे खर्चते नहीं हैं, इसमें से 50,000 पर मंथ बचाते रहे हम। यही होता है, जो इंडियन बाहर जाता है वो तो 10 इंडियन के साथ शेयरिंग कर लेते हैं एक ही रूम में कि पैसे बचाने, हमने खाना भी खुद बैठ के बना लेंगे, पैसा नहीं खर्च करना। तो 50,000 पर मंथ सेविंग कर ली उसने, क्या ये टैक्सेबल हो गई? नो, लॉ कहता है कोई भी अलाउंसेस, कोई भी परक्विजिट्स अगर इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है फॉर इंडियन सिटीजन को फॉर सर्विस ऑफ इंडिया, दैट्स आर टोटली एग्जेम्प्ट। तो बचा के भी पैसे ले आता है, हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, टैक्सेबल नहीं है, इट्स एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(7). क्लियर? देखिए, आप देखेंगे मैंने चैप्टर 2 में बहुत टाइम लगाया आपके साथ, इसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस करिएगा, प्लीज अटेम्प्ट पास्ट ईयर क्वेश्चंस। काफी तो मैंने कराई दी आपको वैसे, ये जो मैंने बैंक ऑफ अमेरिका वाला कराया था ना अभी आपको, ये नवंबर 17 में आ गया था, और आई थिंक बाद में जाकर रिपीट भी हो गया क्वेश्चन। सो प्लीज डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ये तो देखिएगा, लॉन्ग बैक 1991, मनमोहन सिंह बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसने लिबरलाइजेशन की, ऑटोमेटिक अप्रूवल स्कीम लेके आया, और उसने कहा कि हमें फॉरनर्स को एंट्री देनी चाहिए इन द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में अगर वो शेयर्स खरीदेंगे तो उन कंपनीज की वैल्यू बढ़ेगी, लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, यस दीज आर वर्थ कंपनीज। एंड देयरफॉर 91 में उसने पहला स्टेप लिया जहां उसने डायरेक्ट फॉरनर्स को मार्केट में अलाउ नहीं किया, उसने कहा आप ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है तो हम आपको अलाउ करते हैं टू परचेज यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन फॉरेन करेंसी। बताइए फॉरनर्स की इनडायरेक्ट एंट्री कैसे हो गई शेयर मार्केट में? म्यूचुअल फंड्स इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, एक तरह से इनडायरेक्ट एंट्री दे दी, और जो डायरेक्ट एंट्री थी मनमोहन सिंह ने वो सिर्फ किसको दी? FII। डायरेक्ट एंट्री इज ओनली टू FII।
या फिर हमारे देश के जो NRIs है, NRIs, उनको डायरेक्ट एंट्री है। हर किसी को स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट एंट्री नहीं है, अदरवाइज अंडरवर्ल्ड किंग लाइक दाऊद, ये तो कंपनीज टेक ओवर कर जाएंगे, इतना पैसा इनके पास। एंड देयरफॉर डायरेक्ट एंट्री दी गई FII को, उनके लिए लिखा है सेक्शन 115AD, और इनडायरेक्ट एंट्री दी गई ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को, और इनको परमिट किया गया आप परचेज कर सकते हैं यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स डेट इन फॉरेन करेंसी। अब ये OFO को अप्रूव करेगी सेबी RBI कि कहीं ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ना हो, और इनके लिए लेके आए सेक्शन 115AB। तो अगर आप ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिट्स परचेज करते हैं म्यूचुअल फंड्स के इन फॉरेन करेंसी, और उनको आप लॉन्ग टर्म होने के बाद बेचते हैं, टैक्स रेट विल बी 10%। That's all. Chapter 3, page 77. सेक्शन 115AB पेज 78 पर पॉइंट 6 पढ़िएगा क्या है। ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? मींस एनी फंड, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी, whether incorporated or not, established under the laws of a country outside India, और जिसने arrangement किया है for investment in India with any public sector bank, public financial institution or mutual fund, and such arrangement should be approved by the SEBI। आ जाइए page 77। अच्छा, वहां यूनिट्स का मतलब क्या लिखा है, देखिए पॉइंट नंबर 5 में, यूनिट्स मींस यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और UTI। आ जाइए, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स परचेज्ड इन फॉरेन करेंसी, और इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैप गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स परचेज इन फॉरेन करेंसी, देन द इनकम टैक्स पेबल शैल बी एग्रीड टू द फॉलोइंग 10% ऑफ द अबव इनकम्स बैलेंस पर नॉर्मल टैक्स रेट। क्या बेनिफिट दिया आपने? ये कौन सी इनकम है? नो, दिस इनकम और दिस इनकम, नहीं देख पा रहे? इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स मीन्स व्हाट? डिविडेंड। जो यूनिट्स में डिविडेंड मिलेगा वो हम 10% टैक्स कर रहे हैं। हाउ इज दिस सेक्शन बेनिफिशियल? अदरवाइज 115A में 20% टैक्स हो रहा है वो, तो और क्या फायदा है यहां पर? LTCG 10% टैक्स हो रहे हैं,
इसमें डेट म्यूचुअल फंड्स भी आ जाएंगे, ये तो सभी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, जबकि हमने जनरल लॉ में क्या किया था 112A इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर 10% का टैक्सेशन होता है, और अगर डेट म्यूचुअल फंड्स हो तो 20% 112 लग जाता है, यहां हर पे 10% है। सो यहां पर दोनों कवर्ड है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ व्हाट यू कॉल एज डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, एवरीथिंग इज कवर्ड, ऑल द यूनिट्स आर कवर्ड हेयर। बेनिफिशियल सेक्शन है क्योंकि यहां डिविडेंड टैक्स होगा 10% पे, जबकि नॉर्मल लॉ में टैक्स होता है 20% 115A में। यहां लॉन्ग टर्म कैप गेंस 10% में टैक्स होंगे, जबकि अगर 112A में जाएंगे वहां 10% सिर्फ होता है ऑन इक्विटी ओरिएंटेड, एंड दैट टू इफ सोल्ड ऑन विच एसटीडी स्पीड। यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, सो वेद टोटल इनकम of an overseas मैं कुछ देख रहा था अभी बता दूंगा क्या देख रहा था with the total income of an overseas financial organization includes income received in respect of units purchased in foreign currency or income by way of long term cap gains arising from the transfer of units purchase in foreign currency, income tax भी इस dividend income long term cap gains पे 10% balance पर normal tax rate। वही बातें repeat करेंगे, chapter 6 से deductions नहीं मिलेंगी, 28 to 44 से 57 नहीं मिलेगा dividend पर, first proviso, second proviso to 48 नहीं मिलेगी यहां पर, चैप्टर 6 से अगर अदर इनकम्स हैं आपकी उन अदर इनकम से चैप्टर 6 से मिल जाएगी। बैलेंस ब्रेक की बात कर लेते हैं, बैलेंस ब्रेक की बात कर लेते हैं, आई होप मैं ज्यादा धीरे नहीं चल रहा क्योंकि आप लोगों के लिए नई चीज है, इसलिए मैं धीरे करा रहा हूं, अदरवाइज आई कैन गेन स्पीड, but let me gain speed after 3-4 lectures so that you are comfortable with the concepts. What do you say? Rohit, aap kya keh rahe the? Sir, jo aapne section 9-1 sub part 3 mein bataya tha, chargeable under the head salaries payable to the government, ye emphasis kar rahe hain? Rohit ka question hai ki jo maine section 9-1-3 bataya ki jahan government bahar post kar deti hai employees ko, उनको जो सैलरी मिलती है वो अर्नड इन इंडिया मानी जाएगी। इनका क्वेश्चन है कि क्या ये एम्बेसीज के लोग हैं कि इंडियन गवर्नमेंट यूएस में जो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी वहां पोस्टिंग करती है, क्या ये वो लोग हैं? आंसर इज नो। एम्बेसी के लोगों की प्रोविजंस हम अलग से करेंगे, मैंने मॉड्यूल में एक चैप्टर डाला हुआ है सेक्शन 10 पर, वहां एम्बेसीज के लोग कवर करेंगे हम। ये बेसिकली होता है कि इंडियन गवर्नमेंट बाहर पोस्टिंग करती है, जैसे जब इंडिया में ट्रांसफर प्राइजिंग आई, इंडियन एओस को ट्रांसफर प्राइजिंग मालूम नहीं थी क्या होती है, तो गवर्नमेंट ने इंडियन एओस को यूके में पोस्ट किया कि आप वहां 12 महीने यूके टैक्स डिपार्टमेंट में काम करिए और ट्रांसफर प्राइजिंग सीख के आइए, उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरह गवर्नमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री, वेरियस मिनिस्ट्रीज बाहर अपने एम्प्लॉयज को भेजती हैं टू वर्क फॉर द फॉरेन गवर्नमेंट्स, उसकी बात कर रहे हैं। वापस आइए पेज 77 पर, स्पेशल सेक्शंस 115AB, AC, AD। यहां हर सेक्शन में वही चलेगा, 28 to 44 C नहीं मिलेगा, 57 नहीं मिलेगा, चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा,
कोई और लॉसेस हैं वो सेटअप हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन सेटअप नहीं होगी। और यहां पर जो कैपिटल गेन्स हैं, सिंस उस पर हम 10% टैक्स लगा रहे हैं, तो फर्स्ट प्रोविजो एंड सेकेंड प्रोविजो टू 48 विल ऑल्सो नॉट बी अवेलेबल। सो 115AB OFOs अगर टोटल इनकम ऑफ OFO इंक्लूड्स इनकम रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स परचेज इन फॉरेन करेंसी, ये कौन सी इनकम हो गई? डिविडेंड इनकम, या फिर इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैप गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स परचेज इन फॉरेन करेंसी, लॉन्ग टर्म कैप गेन्स। तो इस डिविडेंड इनकम और लॉन्ग टर्म कैप गेन्स पर टैक्स लगेगा एट 10%। जनरल लॉ में क्या होता? डिविडेंड पर लगता 20%, लॉन्ग टर्म कैप गेन्स अगर इक्विटी ओरिएंटेड है 10% 112A का, अगर अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड है देन 20% अंडर 112। नो डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 फॉर दीज इनकम्स, नो 28 to 44C, नो 57। फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविजन टू 48 भी नहीं मिलेगी आपको। जहां टोटल इनकम में अदर इनकम्स भी हैं तो अदर इनकम्स पर चैप्टर 6 से मिल जाएगी। यूनिट्स का मतलब होता है यहां पर दोनों यूनिट्स, इक्विटी एज वेल एज नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। यू नो व्हाट इज ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, एक बाहर का फंड एसोसिएशन वगैरह जो इंडिया से बाहर एस्टेब्लिश्ड है, अरेंजमेंट किया है फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड, और ये अरेंजमेंट शुड बी अप्रूव बाय द सेबी। लॉसेस सेटअप हो जाएंगे आपके, ठीक है। अच्छा, इट मे बी नोटेड एट लॉन्ग टर्म, अच्छा एक मिनट, लॉन्ग टर्म कैप गेन कब माना जाएगा? अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट है, इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स, अदर देन एसटीडी कंडीशन नहीं होती वहां पर, वो तो 112A में होती है। लॉन्ग टर्म डिफाइन करने के लिए तो मोर देन 12 मंथ्स होता है, मोर देन 36 मंथ्स होता है, उससे तो एसटीडी का कोई लिंक नहीं होता। और अगर क्या नाम इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के अलावा वाले हैं देन मोर देन 36 मंथ्स फॉर लॉन्ग टर्म, और यूनिट्स ऑफ यूटीआई इज मोर देन 12 मंथ्स। इट मे बी नोटेड एट लॉन्ग टर्म कैप गेन्स ऑन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड आर टैक्सेबल एट 10% अंडर 112A इन एक्सेस ऑफ ₹1 lakh प्रोवाइडेड सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्सेस इन पेड ऑन द सेल ऑफ यूनिट्स। हाउएवर सच लॉन्ग टर्म कैप गेन्स विच आर ऑल्सो कवर्ड इन 115AB शैल नॉट बी टैक्स अंडर 112A सिंस 115AB इज अ स्पेसिफिक सेक्शन फॉर OFO एंड स्पेसिफिक लॉ ऑलवेज ओवररूल्स अ जनरल लॉ। बताइए, बट इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल में डिफरेंट व्यू दे रही है। इंस्टीट्यूट अपने मॉड्यूल में लिख रही है कि 1 lakh का स्लैब मिल जाएगा फॉर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जो मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता बिकॉज वो बिल्कुल गलत है। ये थोड़ी है कि जहां बेनिफिट हो सेक्शन से बाहर निकल लिए, जहां बेनिफिट नहीं हो रहा सेक्शन में आ गए, वो गलत है। अभी नया मॉड्यूल रिलीज नहीं हुआ इंस्टीट्यूट का, ये लास्ट ईयर मॉड्यूल बता रहा हूं मैं। मैंने बोर्ड ऑफ स्टडीज को बताया भी था ये गलत है, हो सकता है उन्होंने नए मॉड्यूल में चेंज कर दिया। इट मे बी नोटेड एट लॉन्ग टर्म कैप गेन्स ऑन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स आर टैक्सेबल, सॉरी 9,
It may be noted that short-term cap gains on sale of units of equity-oriented funds are taxable at 15%. Under 111 is provided STT speed on the sale of units. वो तो लॉ यहाँ भी लगेगा बिकॉज ये सेक्शन डील कर रहा है ओनली विद डिविडेंड इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैप गेंस. 10. दिस सेक्शन कवर्स यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एज वेल एज डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स. क्वेश्चन देखिएगा, क्या कवर नहीं है? एटीएलए की बात ही नहीं आएगी यहां पर. ओएफओ तो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड होता है. इलस्ट्रेशन ध्यान से देखिएगा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट विद आईडीबीआई. IDBI is a financial institution for investment in India and such arrangement is approved by the SEBI. Examiner ऐसे लिखेगा, यानी क्या हुआ ये? OFO हो गया ये. It furnishes the following data for the previous year 31st March 21 for computation of its total income. Purchases, debt fund, equity. Equity. The above units being units of equity oriented funds are purchased in foreign currency and are sold on 31st March 21 for rupees 12 lakh each. Income derived from the units and the collection charges are given as under. Exchange rates are given. This is just for confusion. फर्स्ट प्रोविजन लगेगी नहीं. इंडेक्सेशन का अगर सीआईआई भी दिया होता इरेलेवेंट था. सेकंड प्रोविजन भी नहीं लगेगी. अब देखिए, ये डेट फंड है, 1/17 को खरीदा गया, बेचा है कब? 31st March 21. लॉन्ग टर्म है, ये भी लॉन्ग टर्म है, मोर देन 12 मंथ्स. ये भी लॉन्ग टर्म है, मोर देन 12 मंथ्स. ये एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा. ये टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 1 minute, sorry. The above units being units of equity oriented funds were purchased in foreign currency. Sorry. ये जो है ये इस सेक्शन से कवर क्यों नहीं होगा? Not purchased in foreign currency. अच्छा, ये तो 10% टैक्स होगा, ये 10% टैक्स होगा, ये मैंने शायद सारे लिए हुए हैं, एक मिनट. एक मिनट, क्वेश्चन चेंज करते हैं. ये सारे हैं. द अबव यूनिट्स, ये सारे यूनिट्स ये लिखा ना, बींग यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, ये कट दीजिए. ये सारे यूनिट्स परचेज किए थे फॉरेन करेंसी में. क्वेश्चन चेंज कर दीजिए. द अबव यूनिट्स वर परचेज इन फॉरेन करेंसी. तो तीनों के लॉन्ग टर्म कैप गेन आ गए मेरे 17 लाख. ये मेरी आ गई डिविडेंड इनकम,
कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। क्वेश्चन में आखिरी में देखिए और क्या लिखा हुआ है, 20 लाख की रॉयल्टी इनकम है, टेक्निकल सर्विसेज इनकम है, उस पर एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। और अब ये 17 लाख टैक्स होगा 10%, 260 टैक्स होगा 10%, 20 लाख टैक्स होगा 10%। ठीक, बताइए अगर डेट फंड के यूनिट्स इंडियन करेंसी में खरीदे गए तो फिर क्या होता? लॉन्ग टर्म कैपिटल लग जाता, 20% टैक्स रेट लगता, डिविडेंड इनकम का क्या होता? उस पर एक्सपेंस अलाउ नहीं होते, लेकिन टैक्स लगता एट द रेट ऑफ 20%। क्या मैं कह सकता हूं 115A जनरल सेक्शन है? अब कैन आई से 115A इज अ जनरल सेक्शन फॉर नॉन रेजिडेंट्स एंड फॉरेन कंपनीज एंड 115AB, AC, AD स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पेज पे नोट देखिए। एक मिनट अभी। इफ अबव यूनिट्स ऑफ परचेज इन इंडियन करेंसी एंड एसटीटी वाज पेड ऑन सेल ऑफ इक्विटी यूनिट इन फंड्स एंड 115AB वुड नॉट हैव बीन एप्लीकेबल बट सेक्शन 112A लग जाता उस पर। लॉन्ग टर्म कैप गेन्स ऑन यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड लॉन्ग टर्म कैप गेन्स ऑन बीआईवी म्यूचुअल फंड 15 लाख वुड हैव बीन टैक्स्ड एट 10% अंडर 112A इन एक्सेस ऑफ ₹1 लाख दैट इज 14 लाख। लॉन्ग टर्म कैप गेन्स ऑन LIC म्यूचुअल फंड वुड हैव बीन टैक्स्ड एट 20% अंडर 112 आफ्टर अप्लाइंग इंडेक्सेशन। और डिविडेंड का क्या होता फिर? नहीं नहीं, अगर ये सारे इंडियन करेंसी में खरीदे होते तो व्हाट नॉर्मल रेट? कंफ्यूज हो रहे हैं आप, देखिए चेक कर लीजिए 115 ने। मुझे बस यही घुमाना है आपको, जितना घूम सकते घूम लीजिए यहां पर ताकि एग्जाम में ना घूमे। ₹150 ने अप्लाई क्यों नहीं होता? 115 ने चेक करिए उसमें क्या लिखा हुआ है, वो शेयर्स लिए लिखा है। 115A में लिखा हुआ है कि यूनिट शुड बी परचेज इन फॉरेन करेंसी, तभी 115A लगेगा। देखिए इसके आगे, समझ में आ रहा है ना आपको? इन सच अ केस डिविडेंड ऑफ रुपीज कितना है, would have been taxable at the rate of, असेसी का नाम देखिए क्या है, फॉरेन कंपनी है, 40%,
सेक्शन 115A विल नॉट अप्लाई. क्यों? बिकॉज दैट इज एप्लीकेबल इफ यूनिट्स आर परचेज्ड इन फॉरेन करेंसी. कलेक्शन चार्जेस अलाउ होंगे या नहीं? 57 में अलाउ नहीं होंगे. इंटरेस्ट होता तो 20% अलाउ हो जाता. एज पर सेक्शन 57 ठीक. तो आप देख रहे हैं कितना वॉस लॉ है ये. कॉरेस्पॉन्डिंग टीडीएस का सेक्शन 195 अलग से सेक्शन है इसके लिए. 196B सो टीडीएस का सेक्शन लाया गया. वेयर एनी इनकम बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म कैबिनेट्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर यूनिट्स रेफर्ड इन 115A(b) या फिर इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स अंडर 115A(b) यानी डिविडेंड इनकम इज पेबल टू एन ऑफशोर फंड तो टीडीएस काटा जाएगा एट 10% बोथ और लॉन्ग टर्म कैबिनेट्स एज वेल एज डिविडेंड इनकम. रिटर्न फाइलिंग से एग्जेम्पशन नहीं है यहां पर. टैक्स कट गया है पूरा तब भी फाइलिंग से एग्जेम्पशन नहीं है. अगर सिर्फ यही इनकम्स होती टीडीएस कट भी गया होता रिटर्न फाइलिंग से एग्जेम्पशन नहीं है. सो आप देखेंगे 115AB और AD वहां पर रिटर्न फाइलिंग से एग्जेम्पशन नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट इनको रेगुलेट करना चाहती है, चेक करना चाहती है कितना पैसा लगाया आपने, कितना गेन वगैरह आया. चलिए 115AC थोड़ा सा आपको समझा दूं प्रैक्टिकल. इधर देखिए प्लीज आपको मालूम होगा कि सारे शेयर्स डीमैट फॉर्म में होते हैं. आज मान लीजिए रिलायंस ने एज्यूमिंग 30 लाख शेयर्स इंडियन पब्लिक को इशू किए हुए हैं तो ये 30 लाख शेयर्स डीमैट फॉर्म में होंगे. किसके नाम रजिस्टर्ड होंगे? NSDL डिपॉजिटरी के नाम में ये 30 लाख शेयर होंगे. ठीक. अब रिलायंस जो है मान लीजिए 10 लाख शेयर्स का पब्लिक इशू अब्रॉड करती है. रिलायंस 10 लाख शेयर्स, ये 30 लाख शेयर्स तो इंडिया में इशू किए हुए हैं. NSDL इज द रजिस्टर्ड ओनर, इन्वेस्टर्स आर द बेनिफिशियल ओनर्स. अब रिलायंस ने इंडिया से बाहर दस लाख शेयर्स का पब्लिक इशू किया. ठीक है. तो अब रिलायंस अपॉइंट करेगी एक फॉरेन बैंक को. एक फॉरेन बैंक, लेट्स ए सिटी बैंक
न्यूयॉर्क, ये इनका इशू भी हैंडल करेगा और क्या होगा, ये फॉरेन डिपॉजिटरी भी होगा। ये इशू भी हैंडल करेगा, सो ये इशू हैंडल करेगा, इशू मतलब पब्लिक इशू, एंड ही इज ऑल्सो द फॉरेन डिपॉजिटरी। अब क्या होगा, सिटी बैंक न्यूयॉर्क पूरे वर्ल्ड में कहेगा कि रिलायंस का पब्लिक इशू आया हुआ है 10 लाख शेयर्स का, हमें पैसे दीजिए, हमें मतलब सिटी बैंक। सिटी बैंक के पास पैसा आ जाएगा, सिटी बैंक फिर उस पैसे को क्या करेगी, मतलब मान लीजिए पूरे 10 लाख शेयर का पैसा आ गया, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी लेट्स से दे आर 10 इन्वेस्टर्स, लेट्स से दे आर 10 इन्वेस्टर्स ईच अप्लाइंग 1 लाख शेयर्स ईच, इसके पास पैसा आ गया, ये पैसा किसको ट्रांसफर करेगी, रिलायंस को। अब रिलायंस ये 10 लाख शेयर इंडियन डिपॉजिटर को नहीं देगी, कहां देगी, फॉरेन डिपॉजिटर को दे देगी। रिलायंस ये 10 लाख शेयर किसको दे देगी, फॉरेन डिपॉजिटरी को। यहां तक क्लियर है? अब फॉरेन डिपॉजिटरी क्या करेगा, शेयर्स तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, इन 10 इन्वेस्टर को एक रसीद दे देगा, इन 10 इन्वेस्टर को रसीद दे देगा कि आपके पास 1 लाख शेयर्स ईच है। दिस रिसीट इज कॉल्ड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, GDR। सो मैं इसलिए बता रहा हूं कि शायद आपको नहीं मालूम होगी कंसेप्ट, तो लेट्स गो टू द ग्राउंड लेवल एंड अंडरस्टैंड। ठीक, तो जो 10 लाख शेयर्स बाहर इशू हुए, इसका डिपॉजिटरी इंडियन डिपॉजिटरी नहीं होगा, कौन होगा, फॉरेन डिपॉजिटरी होगा। फॉरेन डिपॉजिटरी इन 10 इन्वेस्टर को रसीद इशू कर देगा, रसीट कि होल्डर ऑफ द रसीट इज एंटाइटल टू 1 लाख शेयर्स ईच, एंड दिस रसीट इज फुली ट्रांसफरेबल, एंड दीज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया। ये इंडिया में लिस्ट नहीं हो सकते, बस न्यूयॉर्क, हांगकांग, स्ट्रेट टाइम्स ऑफ सिंगापुर, हर जगह लिस्टेड होंगे ये, बट इंडिया में लिस्ट नहीं हो सकते। और इन रिसीट्स को बोलते हैं हम GDR। अमेरिकन्स ट्रंप जैसे पागल होते हैं, वो तो कहते हैं हम हर चीज अपनी निकालते हैं, वो कहते हैं हम GDR को GDR नहीं बोलेंगे, हम तो ADR बोलेंगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट है GDR ही। बट सिंस ये US वाला इशू कर रहा है, US का सिटी बैंक इशू कर रहा है, उसको नाम देते हैं ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट। क्लियर है? याद करिए सेक्शन 47, पहले आपको पूरा याद दिलाता हूं। मैंने आपको बताया था शेयर्स ऑफ अ कंपनी कहां लोकेटेड माने जाते हैं, वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड। यानी ये वाले GDR होता क्या है, इट्स नथिंग बट शेयर्स, इट इज नथिंग बट शेयर्स, GDR इज नथिंग बट शेयर्स, द अंडरलाइंग एसेट इज शेयर्स ओनली। इस पर डिविडेंड आएगा इनको मिलेगा, बोनस आएगा इनको मिलेगा, राइट आएगा इनको मिलेगा इन्वेस्टर्स को। GDR इज नथिंग बट शेयर्स ओनली जो बाहर ही चुके गए। ठीक, अब लॉ यह है कि शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर लोकेटेड एट द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड। यानी ये शेयर्स इंडिया में लोकेटेड माने जाएंगे,
और अगर फॉरनर बाहर भी बेचेगा कैप गेन्स इंडिया में लग जाएगा, एंड देयरफॉर सेक्शन 47 में प्रोवाइड किया गया क्या, अगर जीटीआर एक एनआर दूसरे एनआर को ट्रांसफर करता है आउटसाइड इंडिया, कैप गेन्स आर एग्जेम्प्ट। हो रहा है क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ओके, तो जीडीआर बेसिकली क्या होता है, कंपनी क्या कर रही है, 10 लाख का फ्रेश इशू कर रही है, फ्रेश इशू कर रही है, फ्रेश इशू कर रही है, जिसको हैंडल करेगा कौन, एक फॉरेन बैंक हु विल आल्सो बी अ फॉरेन डिपॉजिटरी, वो रसीदे इशू करेगा, रिसीट्स इशू करेगा। तो आई हैव टू कम इन दिस लेमेंस लैंग्वेज, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगी आपको बातें, ठीक है। अच्छा, मैंने इस बार इस मॉड्यूल से जीडीआर का एक चैप्टर उड़ा दिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए हैंडल करना मुश्किल था वो। अगर मेरा लास्ट मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें चैप्टर 4 जीडीआर पर था, जीडीआर उसमें बहुत टेक्निकल इश्यूज थे, तो स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू हैंडल, मैंने इस बार उसे डिलीट कर दिया है, हाईली टेक्निकल। अच्छा, अब क्या है, ये जीडीआर इंडिया से बाहर ही बिकते रहेंगे बिकॉज कैबियन सेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट है, बताइए प्लीज। अगर बाय चांस ये इंडिया में बिकने आ गए फिर क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और फिर जो मैंने चैप्टर 4 डिलीट किया है ना, उसमें क्या होता था, सपोज 1 लाख शेयर्स इंडिया बिकने आ गए, ठीक है, कैप गेन्स टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उन 1 लाख शेयर्स को यहां से हटाया जाता था, जिसे बोलते थे डीलिंग, और किसके पास भेजा जाता था, तो एनएसडीएल लिंकिंग, डीलिंकिंग, ठीक। गवर्नमेंट परमिट करती है सिर्फ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इन बाय वे ऑफ जीडीआर, बट क्या हुआ, 1 लाख शेयर इंडिया में बिक गए थे वापस, इंडिया से फॉरेन एक्सचेंज निकल के चला गया बाहर, इंडिया को लॉस हो गया, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट ने, इतना समझ लीजिए मैंने सारा हटा दिया, बाकी मेरे लास्ट मॉड्यूल में चैप्टर 4 था जहां ये पूरी मैंने समझाई हुई थी कहानियां, बट इट वॉज टू टेक्निकल फॉर द स्टूडेंट्स टू हैंडल, इसे मैंने डिलीट किया है। सपोज 1 लाख शेयर इंडिया बिकने आ गए, कैप गेन्स टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में, बिकॉज कैप गेन्स 47 में तब एग्जेम्प्ट होता है व्हेन जीडीआर ट्रांसफर्ड आउटसाइड इंडिया बाय वन एनआर टू अनदर एनआर। फिर ये 1 लाख शेयर यहां से हटाए जाते थे और यहां लाए जाते थे, ठीक। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा इस 1 लाख शेयर्स को वापस कंपनी क्या इशू कर सकती है, एज जीडीआर इशू कर सकती है, इन 1 लाख शेयर का फिर से जीडीआर इशू कर सकती है, वो छोड़िए, छोड़िए अब, इतना क्लियर है। मनमोहन सिंह वॉज अ वेरी वेरी क्लेवर फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने सबसे पहले मारुति के शेयर्स जो इंडियन गवर्नमेंट होल्ड करती थी ये बेचे थे पब्लिक को। किसने बेचे थे, गवर्नमेंट ने। तो मारुति इंडिया में ना 50% शेयर सुजुकी होल्ड करती थी और 50% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने लिए फंड्स रेज करने के लिए क्या किया था, अराउंड 10% शेयर्स इंडियन पब्लिक को बेच दिए थे एट 100 रुपीज पर शेयर। और मुझे याद है जब इस शेयर की लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग हुई थी 1000 रुपए पर, लोगों की लॉटरी निकल गई थी, लोगों की लॉटरी निकल गई थी। मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा हमने ये गलती की है, हमने 1000 रुपए का शेयर 100 रुपए में बेच दिया पब्लिक को, गवर्नमेंट को उस पैसा कमाया,
इन्हें फिर बेचने थे शेयर्स ऑफ इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल एक सरकारी कंपनी है, इन्हें अराउंड 10% स्टेक बेचनी थी। ये सोच रहे थे उस समय हम बेचेंगे 200 रुपीज पर शेयर की। व्हाट मनमोहन सिंह डिड वाज, उसने ग्लोबल टेंडर्स इनवाइट किए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्न इंडियन ऑयल के शेयर बेचना चाहती है, इतने शेयर है, 200 रुपए मतलब ये शेयर है और आप बिड करिए। एंड टू द सरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट, फॉरनर्स की बिड आ गई 2000 रुपीज। ठीक, अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया होगा? फिर इंडियन ऑयल के शेयर्स इन फॉरनर्स को दे दिए 2000 रुपए पर शेयर। ये रियल स्टोरी बता रहा हूं आपको, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि मेरा एम आपको रटाना नहीं है, चाहे 2 लेक्चर फालतू लग जाए कराना है ढंग से। अच्छा, क्या नाम, इंडियन गवर्नमेंट ने 10% स्टेक फॉरनर्स को दी 2000 रुपए पर शेयर। सोचिए कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आया था उस समय। अब फॉरनर के पास ये शेयर्स आ गए इंडियन ऑयल के। अच्छा, ये शेयर्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गए। अब सरकार को डर था कि 10% स्टॉक अगर फॉरनर मार्केट में बेचेगा तो हैवॉक क्रिएट कर देगा, मार्केट गिरा भी सकता है। इन्होंने क्या किया, अभी तक GDR कौन से परमिट करते थे? फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। सेकंड क्या परमिट किया था इन्होंने, जो GDR वापस इंडिया में आ गए थे उनको री इशू करना। मनमोहन सिंह तीसरा GDR लेके आए कि इंडियन गवर्नमेंट जो ये शेयर बेचेगी फॉरनर को, किस फॉर्म में देगी? GDR की फॉर्म में देगी। यानी ये शेयर्स किसी फॉरेन डिपॉजिटरी को दे दिए जाएंगे और फॉरेन डिपॉजिटरी क्या करेगा, इन फॉरनर्स को GDR इशू कर देगा, रसीद। क्लियर? देखिए, इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत पैसा रेस किया और इंडियन कंपनीज ने भी बहुत पैसा रेस किया। आज आप देखिए जितनी बड़ी कंपनी है, रिलायंस, इंफोसिस, टाटा स्टील, महिंद्रा महिंद्रा, इन सब के GDRs इशूड है, बाहर स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। सुना होगा आपने ना। तो ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूं, ये 115AC है सारा, ये सारा समझना जरूरी है 115AC के लिए। अच्छा, तो GDR क्या होते हैं? एक तो जो कंपनी फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स बाहर करती है, दूसरा जो GDR वापस आ जाते हैं इंडिया में उनको री इशू करती है, तीसरा जो इंडियन गवर्नमेंट PSU में अपनी स्टेक सेल करती है उसके अगेंस्ट इशू होते हैं। ठीक, एंड दीज GDRs आर लिस्टेड ऑन फॉरेन एक्सचेंजेस, कैन नॉट बी लिस्टेड ऑन इंडिया। इस पे जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलते रहेंगे, डिविडेंड मिलेगा आपको, बोनस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं, टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं, बताइए क्या है? अगर ये बाहर बेचे जाएंगे तो क्या होगा? NR to NR कैप गेन्स एग्जेम्प्ट। IFSC में बेचे जाएंगे तो भी कैप गेन एग्जेम्प्ट। ओके, इस पर जो डिविडेंड आएगा, डिविडेंड जो आपने पढ़ा अभी तक, उसके हिसाब से क्या होगा? टैक्सेबल एट द रेट ऑफ फॉरनर्स को इशू होते ना GDRs, 20% अंडर 115A। और अगर इंडिया में बिकेंगे तो लॉन्ग टर्म कैप गेन अगर होगा तो किस रेट पर टैक्स होगा? 20% अंडर 112। इतना क्लियर?
याद है कभी मैंने कराया था आपको ये FCEB अगर डिबेंचर्स कन्वर्ट होते हैं इनटू शेयर्स ऑफ डेट कंपनी, याद है मैं डेट कंपनी में बार बार ऐसे बोले जा रहा था, डेट कंपनी ये वाला था, FCEB अदर देन दिस था। तो जब सेक्शन 47 कर रहे थे आप, तो मैंने बताया था अगर डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट होता है तो कैबिन से एग्जेम्प्ट होता है, अगर डिबेंचर किसी और कंपनी के शेयर में कन्वर्ट होता है FCEB तो भी कैबिन एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। हमने तब इनकी बातें की थी कुछ, वहां 115AC लिखा हुआ था। सो 115AC में कंपनीज ये बॉन्ड्स इशू करती है, ये होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, और ये नोटिफाइड होते हैं अंडर सेक्शन 115AB। इसके लिए सरकार को नोटिफिकेशन के थ्रू बताना पड़ता है ये 115AB वाले बॉन्ड्स, ठीक। AC। मनमोहन सिंह वॉज अ वेरी क्लेवर फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे कि इनके पास एक PSU का डिबेंचर था 1,00,000 रुपए का, 12% का गवर्नमेंट के पास था ये, यानी PSU ने डिबेंचर इशू किए थे 1,00,000 रुपए डिबेंचर 12% इंटरेस्ट। किसने इशू किया था? पब्लिक सेक्टर कंपनी। होल्ड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। मनमोहन सिंह ने कहा कि हमने शेयर तो बेच दिए, क्यों ना ये बॉन्ड भी बेचें। उन्होंने कहा बिड करिए फॉरेनर्स को, बिड करिए, एंड टू द सरप्राइज ऑफ एवरीवन बिड आई, 2,00,000 रुपए का बॉन्ड खरीदेंगे हम, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज टू हाई। और सरकार ने ये बॉन्ड्स अपने फॉरेनर्स को दे दिए। अब देखिए, इससे कंट्री ने मैसिव फॉरेन एक्सचेंज रेस किया। बेसिकली जब 91 में मनमोहन सिंह आए थे, हर्षद मेहता स्टोरी शुरू हुई थी, वो यही थी 115AB, 115AC, 115AD। इंडिया को पूरी तरह से खोल दिया गया था। AB में OFOs आ गए थे यूनिट्स खरीदने के लिए, यहां पर AC में इन्होंने इंडियन कंपनीज को अलाउ कर दिया बाहर जाके पब्लिक इशू करिए, पैसा ले आइए इंडिया में, कंपनीज को अलाउ कर दिए FCCB FCEB इशू करिए। इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी PSU की स्टेक सेल की फॉरेनर्स को, इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो बॉन्ड्स थे PSU के डबल रेट में फॉरेनर्स को बेच दिए। अब जब इतना पैसा आ रहा है तो हमें फॉरेनर्स को इंसेंटिव देना पड़ेगा ताकि वो चलते रहे इसी काम में, एंड देयरफॉर स्टार्ट्स द इंसेंटिव्स सेक्शन 47। ये वाले बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स? FCCB FCEB, ये जो है सरकार ने जो बाहर बॉन्ड्स बेचे फॉरनर्स को, ये बॉन्ड्स जो नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 115AC। GDRs 3 तरीके के, ये अगर इंडिया से बाहर बिकते रहेंगे नो कैप गेंस। अगर इंडिया में भी बेच देते हैं आप, तो अभी मुझे बताया था आपने लॉन्ग टर्म कैप गेंस एज पर जनरल लॉ कितना लगता है? 20% डिविडेंड जो मिलेगा इन पर, दैट विल बी टैक्सेबल एट 20% अंडर 115AC। टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स और GDRs परचेज्ड इन फॉरेन करेंसी और कैप गेंस अराइजिंग फ्रॉम देयर ट्रांसफर। कौन कौन सी इनकम इंक्लूड करेंगे यहां पर हम? इन बॉन्ड्स पर जो इंटरेस्ट आएगा, GDRs पे जो डिविडेंड आएगा,
इन बॉन्ड्स और जीडिया को अगर इंडिया में बेचा जाएगा उस पर जो लॉन्ग टर्म कैप गेन आएगा, अगर बाहर बेचा जा रहा है कैप गेन से एग्जेम्प्ट है। टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स जीडीआरस परचेज इन, अच्छा यहां परचेज इन फॉरेन करेंसी मस्ट है, 115 एबी में भी फॉरेन करेंसी मस्ट था, 115 एसी में भी फॉरेन करेंसी मस्ट है। एंड कैप गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर द गवर्नमेंट इज परमिटेड इंडियन कंपनीज टू इशू जीडीआरस एफसीसीबी एफसीबी अब्रॉड to make the GDRs FCCB FCEB competitive with other international instruments section 115AC has been introduced where the total income of an assessee being a non-resident including a foreign company includes any income by way of interest on bonds of an Indian company notified by the government under section 115 is. अच्छा एक मिनट, अच्छा चलिए एक मिनट पढ़ लेते फिर बताता हूँ। Interest on bonds of an Indian company notified by the government under 115 AC, ये कौन से bonds होते हैं normally? ये with the total income of an assessee being a non-resident including a foreign company includes income by way of interest on bonds of an Indian company notified to the government under 115AC number 2 bonds of ye kya hai dekhiye public sector company sold by the government jo maine bataya tha 1 lakh ka bond 2 lakh mein becha tha number 2 dividend on GDRs ye kaun se GDRs dekhiye issued against the initial issue of shares of the Indian company जो हमने 30 लाख शेयर्स बार इशू किए थे issued और reissued against the existing shares of the company जो वापस आ गए थे तीसरा issued against the shares of a public sector company sold by the government जो मैंने आपको बताया पिछले 15-20 मिनट नहीं बताता तो कुछ समझ में नहीं आता ये अब आ गया नंबर थर्ड कौन सी इनकम है देखिए लॉन्ग टर्म कैप गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रेफर्ड अबव ये लॉन्ग टर्म कैप गेन्स कब अराइज होंगे दे आर सोल्ड इन इंडिया एंड सच इंस्ट्रूमेंट शैल बी परचेज इन फॉरेन करेंसी देन इनकम टैक्स ऑन सच इनकम टैक्स सच इनकम विल बी फ्लैट 10% सब पे 10% एक इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू है वहां लिखा है एक फॉरेन कंपनी 20 लाख का इंटरेस्ट अर्न करती है ऑन नोटिफाइड बॉन्ड्स टैक्स विल बी 5% 20% 40% 10% even I was confused इंस्टीट्यूट का ये सही आंसर है तो मैंने बोर्ड ऑफ स्टडीज को कहा मैंने शायद गलत कर रहे आप 10% कैसे कह सकते हैं तो बोर्ड ऑफ स्टडीज ने कहा बताइए नोटिफाइड बॉन्ड्स और कहां पर है 115A में कोई नोटिफिकेशन नहीं आती नोटिफाइड बॉन्ड तो सिर्फ 115AC में ही होते हैं एंड देयरफॉर आंसर इज करेक्ट 10% तो इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू है जो मैंने अपने एमसीक्यू में इंक्लूड कर लिया है उसमें ये इशू है नोटिफाइड बॉन्ड लिखा हुआ है सेक्शन नहीं लिखा नोटिफाइड अंडर विद सेक्शन तो जो मैंने इंस्टीट्यूट से कहा गलत है आपका आंसर वो कहते हैं बिल्कुल सही है बिकॉज नोटिफाइड बॉन्ड सिर्फ एक ही सेक्शन होते हैं 115AC क्लियर
अगर आप फॉरेन कंपनी है, नॉन रेजिडेंट है, आपकी इनकम हो रही है, बेसिकली यहां पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कवर्ड हैं? बॉन्ड्स इशूड बाय इंडियन कंपनी विच आर नोटिफाइड अंडर 115AC विच आर प्रैक्टिकली कॉल्ड FCCB एंड FCEB. नंबर टू, सरकार जो बॉन्ड्स बेचती है PSU के फॉरनर्स को, वोले बॉन्ड्स जो इस सेक्शन में नोटिफाई किए जाते हैं. तीसरा, GDRs नया इशू, पब्लिक नया इशू, री इशू. सरकार ने इंडियन ऑयल के शेयर्स बेचे, उसके अगेंस्ट GDR इशू करा दिया. अब इनको बाहर बेचा जाएगा बाय NR2NR कैपिटल एग्जेम्प्ट 47. इंडिया में बेचा जाएगा कैपिटल टैक्सेबल, अगर लॉन्ग टर्म है 10%. अगर ये सेक्शन नहीं होता देन 20%. 112 जो GDR पे डिविडेंड आएगा 10%. ये सेक्शन नहीं होता 115A में 20% लगता. इंटरेस्ट पे हो सकता मेरा 20% लग जाता, 20% नहीं लगता बिकॉज 194LB LC LD नहीं है यहां पर, तो 20% लगता, वो भी 10% कर दिया, हाफ टैक्सेशन कर दिया आपकी. एंड देयरफॉर दीज इंस्ट्रूमेंट्स बिकम फेवरेट ऑफ द फॉरनर्स. क्लियर? फॉरवर्ड पढ़िए दोबारा से. With the total income on assessee being a NR foreign company includes income by way of interest on bonds of Indian company notified to the government under 115AC, bonds of public sector company sold by the government, dividend on GDRs, ये तीन तरह के GDRs मैंने बता दिया आपको, long term cap gains on transfer of the above bonds and GDRs. और ये सब instruments आपने purchase किए होने चाहिए in foreign currency. Then income tax on all such incomes will be flat 10%. आगे पढ़िए, वही बात है. स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इन इनकम्स के लिए है, बाकी इनकम्स में नॉर्मल टैक्स रेट लगेंगे. नंबर टू, 28 to 44C नहीं मिलेगा, 57 नहीं मिलेगा, Chapter 6A नहीं मिलेगा, हर जगह यही करते आ रहे हैं हम. थ्री, फर्स्ट प्रोविजन, सेकेंड प्रोविजन 48 नहीं मिलेगा, सब कुछ खत्म कर रहे हैं यहां पर, बिकॉज आपको हम आधे टैक्स रेट दे रहे हैं. और अगर अदर इनकम्स है, अदर इनकम से चैप्टर 6 से मिल जाएगा. 5, 115A याद करिए, ए 115A में तो रिटर्न फाइलिंग से एग्जेम्पशन है. अगर रॉयल्टी है, FTS है, डिविडेंड है, वो इंटरेस्ट है, उस पर TDS कट गया है, और कोई इनकम नहीं है, रिटर्न फाइलिंग से एग्जेम्पशन है. 115AB में एग्जेम्पशन नहीं है, AC में है, AD में नहीं. लॉजिक क्या है? AB में कौन आ रहे हैं? बड़े फंड्स. हम चाहते हैं वो रिटर्न फाइल करें, हम देखें पैसा कहां से लेके आए वो लोग. 115AD में कौन आता है? FII, जो बिलियंस में सेल परचेस करते हैं, रेगुलेट करेंगे उनको. यहां तो छोटा इन्वेस्टर आ जाएगा ना, यहां तो छोटा इन्वेस्टर आ जाएगा. जो बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्टर बैठा हुआ है, ADR/GDR अप्लाई करता है, ये बॉन्ड्स खरीदता है, उनको हमें रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा भी हम तंग नहीं कर रहे आपको, रिटर्न फाइलिंग से एग्जेम्पशन है आपकी, अगर यही वाली इनकम्स है और इन पर TDS कट गया है. कोरेस्पॉन्डिंग मुझे TDS सेक्शन बना के दे दीजिए. कोरेस्पॉन्डिंग मुझे TDS का सेक्शन बना के दे दीजिए, क्या होगा? पेज 83.
तो इन सभी इनकम्स पर डिविडेंड इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म कैप गेन्स टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। नाउ यू कैन समझ में आ रहा है ये 115AC और 196C का लिंक क्या है। AC चार्जिंग सेक्शन है, वो कहता है इतना टैक्स लगेगा, ये कहता है इतना टैक्स डिडक्ट होगा, इन टैक्स जीरो हो गया। अब आपका जितना टैक्स बना हमने टीडीएस काट लिया। क्लियर है? वापस आ चाहिए पेज 81.5। एक एग्जामिनर ने ना दो बार क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन क्या था? अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम इवन इफ इज इनकम इज इन करोड़। डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ दिस प्रपोजिशन। क्या आपकी इनकम करोड़ में भी है, आपको रिटर्न नहीं फाइल करनी, इसको डिस्कस करिए, करेक्ट प्रूव करिए। 115A आ जाएगा कि 115A वाली इनकम्स हैं, सिर्फ वही इनकम्स हैं, उस पर टीडीएस कट गया है, रिटर्न फाइलिंग से एग्जेम्पशन है। ये आ जाएगा, दो सेक्शन और करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, वो आ जाएंगे। आप देखिए पूरा चैप्टर पूछ गया एग्जामिनर आपसे। इट शैल नॉट बी नेसेसरी फॉर द नॉन रेजिडेंट टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम इफ इज टोटल इनकम कंसिस्ट ऑफ ओनली द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम रेफर टू इन दिस सेक्शन एंड टैक्स हैज बीन डिडक्टेड ऑन सच इनकम। एनी क्वेश्चंस? यू मस्ट हैव सम क्वेश्चंस। चलिए मैं पूछता हूं। मैं एक फॉरेन कंपनी हूं, मैंने GDR खरीदे, FCC बॉन्ड लिए, इंटरेस्ट डिविडेंड आया, डिविडेंड इंटरेस्ट किस रेट पे टैक्स होगा? 10%। मुझे रॉयल्टी भी आ रही है इंडिया से। 115A में भी आ गया कि मेरा केस, तो क्या मुझे रिटर्न फाइलिंग से एग्जेम्पशन हो जाएगी? यस। अगर मेरी 115A वाली इनकम्स हैं, ये वाली इनकम्स हैं, दोनों पर टीडीएस कट गया है, तो भी रिटर्न फाइलिंग से एग्जेम्पशन होगी मुझे? यस और नो? देखिए मैं क्या करा रहा हूं, इतना करा दूंगा कि एग्जाम का पेपर आपको बहुत सिंपल लगेगा। मैं दूसरी तरीके से भी करा सकता हूं, ये बिल्कुल सिंपल करा सकता हूं, फिर एग्जाम का पेपर देखते रह जाएंगे है क्या वो। अभी क्या प्रोविजन समझकर एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा, यू विल बी एबल टू अप्लाई इट। सो दैट इज वाई टाइम लगता है इसमें। आप देखेंगे आगे जाके हम थोड़े फास्ट हो जाएंगे, बट यहां मैं फास्ट नहीं हो सकता बिकॉज यहां पर मुझे मालूम है बच्चे गलती करते हैं। 6, टू गिव अ फर्दर इंसेंटिव, यह मैं करा चुका आपको, सेक्शन 47 अमेंड किया गया था। इफ GDRs रिप्रेजेंटेड बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी लिस्टेड इन इंडिया आर ट्रांसफर्ड बाय एनआर टू अनदर एनआर आउटसाइड इंडिया, देन एज पर 47 कैप गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर बॉन्ड जो है 115AC वाले एनआर दूसरे एनआर को ट्रांसफर करता है, कैप गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। बट ये बात रट लीजिए आप, ये जितने बेनिफिट्स मिलते हैं ना आपको, ये तभी मिलते हैं अगर GDR जो है वो किसके हैं, एक ऐसी कंपनी के जिसके शेयर्स इंडिया में लिस्टेड है। इसका बहुत लंबा चौड़ा लॉजिक है जो मैंने चैप्टर 4 में लिया था, डिलीट कर दिया। बहुत हाई लेवल इशू है वो, बट बेसिकली ये बात रखती है कि GDR पर जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो कौन सी कंपनी के हैं, जो कंपनी इंडिया में
लिस्टेड है। चैप्टर सिक्स का बेनिफिट मिल जाएगा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। अब आप पॉइंट एट पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। GDRs means any instrument receipt in form of a deposit and receipt certificate, उसका नाम कुछ भी दीजिए। कौन क्रिएट करता है वो? Overseas depository bank outside India, यही बताया था मैंने आपको, CD bank, and issue to investors against issue of ordinary shares of the issuing company, being a company listed on recognized stock exchange in India or against foreign currency convertible bonds of the issuing company. Therefore, benefit of 115AC is available only if the GDRs are represented by equity shares of the Indian company which is listed on the stock exchange in India. If GDRs are represented by equity shares of a company jo India stock exchange mein listed nahi hai, to 115AC benefits wagera kuch bhi nahi milenge aapko. Last क्या लिखा था सेक्शन में कि GDR शुड हैव बीन परचेज इन फॉरेन करेंसी? रिलायंस पेट्रोलियम अमलगमेट हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज में, फॉरेन ने इसके जीडीआर खरीदे थे फॉरेन करेंसी। अब जब ये अमलगमेट हुई तो क्या हुआ होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज के जीडीआर इशू हो गए इसे। अब एओ ने क्या बोला होगा? एओ कहता है इन जीडीआर पे ये सेक्शन लगाऊंगा नहीं मैं, जो डिविडेंड आएगा उसको मैं 20% टैक्स करूंगा, क्योंकि ये सेक्शन तो तब लगता है जब जीडीआर आपने फॉरेन करेंसी में खरीदे हो। आपने तो इसके फॉरेन करेंसी में खरीदे थे, इसके थोड़ी खरीदे हैं। हुआ ऐसा, हुआ था ऐसा, हुआ कि एओ कहता है जी सेक्शन कहता है कि 115 इसे तब मिलेगा जब जीडीआर आपने फॉरेन करेंसी में खरीदे हो, बट ये जीडीआर आपको मिले बाय वर्च ऑफ अमलगमेशन, ये तो अपने फॉरेन करेंसी में नहीं खरीदे। फॉरनर्स को ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते, इन्होंने फटाफट अमेंडमेंट लेके आ गए। क्या अमेंडमेंट लेके आए? कि अगर आपको अमलगमेशन में मिल रहे हैं, डीमर्जर में मिल रहे हैं, तो भी हम बेनिफिट देते रहेंगे आपको। पॉइंट नंबर 9 देखिएगा, वेयर बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग बॉन्ड्स और GDRs इन एन अमलगमेटिंग और द डीमर्ज कंपनी क्वालिफाइंग फॉर बेनिफिट अंडर 115AC नॉन रेजिडेंट एक्वायर्स बॉन्ड्स GDRs ऑफ द अमलगमेटेड और रिजल्टिंग कंपनी, देन द बेनिफिट ऑफ 115AC शैल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल ऑन सच इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। बताइए GDRs के लिए होल्डिंग पीरियड क्या होगा फॉर बींग लॉन्ग टर्म? मोर देन 36 मंथ्स, बिकॉज दे आर नॉट लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए, ये लिस्टेड नहीं होते। इट्स मोर देन 36 मंथ्स फॉर बींग लॉन्ग टर्म। इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 5 मिनट जनरल बात कर लेते हैं। अब आज हमने खास कुछ नहीं किया, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, इसलिए टाइम बीत गया हमारा। आज हमने बेसिकली इंटरेस्ट डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी की। डिविडेंड पहले कर लेते हैं, डिविडेंड
हम ये बात कर रहे हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ फॉरनर, फॉरनर मीन्स एनआरएन फॉरेन कंपनी। अगर फॉरनर को डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी से, शेयर चाहे इंडियन करेंसी में खरीदे हो फॉरेन करेंसी में खरीदे हो, डिविडेंड 20% टैक्स होगा, कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, टीडीएस 20% कटेगा, कोई झगड़ा नहीं है। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ये परचेज होने चाहिए इन फॉरेन करेंसी, डिविडेंड टैक्स होगा एट 20%। गलती, टीडीएस कटेगा 20%, गलती हो गई। स्पेसिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द अंडरटेकिंग है, वहां टीडीएस नहीं कटेगा। एनआरआई, एचयूएफ फॉरेन मतलब नॉन रेजिडेंट एचयूएफ, अगर एनआरआई अकाउंट से यूनिट्स खरीदती है या फिर बाहर से रेमिटेंस करके यूनिट्स खरीदती है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। लॉ में गलती हो गई, बंद। इंटरेस्ट, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड बॉन्ड इशू कर रहा है, लोन दे रहा है 5%, इंडियन कंपनी, बिजनेस ट्रस्ट, फॉरेन करेंसी मस्ट है। एक तो लोन्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स 5%। बट अगर आरडीबी इशू किए गए हैं 1/4/20 या उसके बाद, लिस्टेड ओनली इन आईएफएससी स्टॉक एक्सचेंज 4%। नीडलेस टू से मोदीज बर्थडे 17 सितंबर 18 टू 31 मार्च 19 आरडीबी इज इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट। तो मुझे मोदी बर्थडे सेलिब्रेट करने का कोई शौक नहीं, सिर्फ डेट याद कराता हूं आपको। नेक्स्ट, एफआईआई, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं आरडीबीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज ऑन आफ्टर 1/4/20, टैक्स रेट 5%, टीडीएस के सेक्शंस 5/5/5। इनके अलावा, अच्छा हाँ, एक वो इंटरेस्ट आता है एसपीवी से, बिजनेस ट्रस्ट देती है एसपी वाला इंटरेस्ट, वो भी 5% टैक्स होगा। इन चार के अलावा, अगर आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं, लोन्स दिए हैं फॉरेन करेंसी में 20%, अगर इंडियन करेंसी है नॉर्मल टैक्स, कोई खर्चा लाओ नहीं होगा, कोई खर्चा लाओ नहीं होगा, चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल। टीडीएस के रेट चाहिए सारे, हमने यही तो किया आज। फिर हमने बैंक ऑफ अमेरिका वाला केस किया, जो बाहर वो पे कर रही है अपने हेड ऑफिस वगैरह को, चाहे पेमेंट टू सेल्फ है, बट उसे हम उनकी इनकम मानेंगे। फिर हमने ए बी किया, ओएफओ यूनिट्स इशू करा म्यूचुअल फंड्स के, यूटीआई वगैरह जो भी है, फॉरेन करेंसी में डिविडेंड 10%, लॉन्ग टर्म कैपिटल 10%, 115 ए सी हमने किया है, ठीक है। तो मैं डेलिब्रेटली बाबा बोल रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, बिकॉज ये कंसेप्ट मैं हिलाना नहीं चाहता आपके, ठीक है। विल स्टॉप हेयर।